अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? आवाज क्लियर आ रही है मेरी? बंदा बता दे। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। 11 बज गए हैं, बाकी लोग भी उठ जाएं जल्दी जल्दी। शाबाश। वालेकुम अस्सलाम। और जी, कैसे गुजर रहे हैं आप सबके? तो वैसे रमजान कैसा जा रहा है आप सब लोगों का? इतने बाकी लोग आते हैं, इतने हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कैसा जा रहा है आपका रमजान, और कैसी जा रही है आपकी ट्रेनिंग? ग्यारह पांच पे स्टार्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक है। रहमान, बाय रिक्वेस्ट सेंड की किसी ने अपनी प्रोफाइल से? अच्छा, सर कल मैंने बताया था कि जब आप स्टार्ट में गिग्स बनाते हैं तो आपकी प्रोफाइल्स के ऊपर बाय रिक्वेस्ट ऐसा नहीं है कि हर टाइम शो होती है, ठीक है? कुछ टाइम्स हैं उनमें शो होती हैं। अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल 12 से 1:30 के दरमियान तो आपको शो होंगी, ठीक है? इसी तरह आप शाम को देखें 5-6 के दरमियान तो टेन भी आपको स्टार्ट होंगी, रात को भी 10-11, और सुबह के टाइम भी आपको शो हो रही होती है। यानी कुछ टाइम्स हैं उनमें शो हो रही होती है, ठीक है? बाकी मैं मजीद कंफर्म करके वो टाइम आपको बता दूंगा, ठीक है? इसके अलावा अच्छा, अहमद ने सारी कर दी है, गुड। तो वो उस तरह से शो होती है क्योंकि आप स्टार्ट में जाते हैं तो स्टार्ट में ऐसे ही होती हैं, और आपके गिग्स के जो कीवर्ड्स हैं उनकी बेस पे भी आपको शो हो रही होती है कि आपने कीवर्ड्स कैसे यूज किए थे, क्या वो क्लाइंट परस्पेक्टिव से थे कि नहीं थे, ठीक है? और बाकी मैंने कहा था कि आप कोई भी कहीं से कोई चीज ले लीजिएगा, या कोई भी फर्ज करके आपने प्रपोजल टाइप करना है, तो वो जस्ट दो लोगों ने किया हुआ, दोनों ने अच्छा लिखा हुआ था माशाल्लाह से। और बाकी
अब ऐसा नहीं है, स्टार्ट में आपको प्रॉपर थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है, देन आपको ये सारी चीजें आती हैं। अदरवाइज अगर आप देखें कि जब लेवल 1 हो जाते हैं या लेवल 2 हो जाते हैं, तो फिर आपको हर टाइम बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होती है, ठीक है? क्योंकि न्यू लेवल्स को आप बाय रिक्वेस्ट उन टाइम्स में शो होती हैं, और वो बस थोड़ी देर के लिए शो होती हैं और उसके बाद चली जाती हैं, चाहे क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करे या ना करे, ठीक है? हाँ, एमएम जैसे कह रहे हैं कि सुबह 9 से 10 बजे तक शो हो रही थी, उन्होंने 10 सेंड भी कर दिए। गुड। अच्छा, लेक्चर की तरफ जाने से पहले ये मैं आपसे दो तीन चीजें हैं। एक तो रहमान खालिद अभी हैं भी? रहमान, मैंने कहा था कि फर्स्ट जो आपने टाइटल लिखना है, आज मैं 4 लोगों के गीत्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर में फिर 4 और को डिस्कस कर लेंगे। रहमान ने अब ये देखें कि आई विल क्रिएट अ ब्यूटीफुल बैनर फॉर यू, ठीक है, अट्रैक्टिंग कह सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि मैंने कहा था कि आपको अपनी गिग को बेसिकली रैंक करना है, तो उसके लिए आपका कीवर्ड बेस्ड टाइटल होना लाजमी है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ तो कोई कीवर्ड बेस्ड नजर नहीं आ रहा, जस्ट बैनर का एक वर्ड है जो कि क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि जो सर्च में यूज होता होगा, कि क्लाइंट उसको सर्च करता होगा। अब यहाँ बैनर एड्स अगर आप देखें, सर्च में अगर आप लिखते हैं बैनर, ठीक है, तो यहाँ बैनर यूट्यूब आ रहा है, ट्विच बैनर आ रहा है, बैनर डिजाइन आ रहा है, बैनर एड्स आ रहा है, बैनर फेसबुक आ रहा है, ठीक है? तो वो सारी चीजें आपके पास आ रही हैं, वो ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जो वहाँ बेसिकली क्लाइंट ज्यादा देखते हैं, और क्योंकि जब कोई बैनर बनाने के लिए आता है तो वो सर्विसेज में से ही सिलेक्ट करता है, तो आपने कीवर्ड बेस्ड टाइटल बिल्कुल नहीं लिखा। फिर आपने जो इमेज यूज की, मैंने कहा था कि आपने उसको कोई प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए, ये बिल्कुल ही सिंपल सी आपने यूज कर ली है, ठीक है? अगर हम सेकेंड पे जाएं तो ये भी बेसिकली आप जिनको टारगेट करने जा रहे हैं वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एडवांस करें, जस्ट आप पाकिस्तानी क्लाइंट्स को फोकस नहीं कर रहे, ओके? उसके बाद सोने में सुहागा ये है कि जब आपने अबाउट दिस गिग लिखा, तो उसमें ये दो तीन चीजें लिखनी हैं। तो ऐसे तो मैंने नहीं बताया था प्रॉपर, मैंने आपको गाइड किया था कि आप गिग की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। गिग की डिस्क्रिप्शन में पहले आप शो करते हैं कि आप कितने पैशनेट हैं अबाउट वर्क, ठीक है, और क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं कि क्लाइंट बेसिकली ये चीज बनवाने के लिए आ रहा है, तो उसमें क्या चीज होनी चाहिए ऐसी कि जो क्लाइंट को अट्रैक्ट करे, ठीक है? देन अपना आप वर्किंग फ्लो लिखते थे, क्यों वो आपको चूज करता है, देन आप अपना ये बताते थे कि बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर कंटेक्ट विद मी, या आप कह सकता था कि यानी अगर उसकी कोई क्यूरी है तो वो फ्रीली मेरे से कंटेक्ट कर सके, तो इस तरह लिखते हैं। आपने तो जस्ट वेरी गुड, पुरानी है 2016 की, तो ये अभी जो 15 दिन गुजर गए हैं, तो ये इसमें अभी तक आपने कुछ नहीं बनाया, इसका मतलब ठीक है, तो इसको उसका क्या फायदा होगा? जब आप इस तरह करेंगे तो उसका फिर कोई फायदा नहीं होगा, टाइम से करेंगे देन ही काम चलेगा। जब आप पढ़ के 15 दिन बाद बनाएंगे तो वो तो सारी चीजें भूली होंगी, उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है, इसको ठीक करें। अच्छा, उसके बाद थी ये महक की थी, ठीक है, इन्होंने भी चले इसका गुजारा है कि ये गिग में चले, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था कि आप या तो उस स्किल में जाएं जिसके पास आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा स्ट्रांग हो। अब इसमें आपने कोई लोगो नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया, ठीक है, आप लोगो रियूज कर सकते थे, डिफरेंट लोगो को ऐड करके एक न्यू लोगो बना के उनको लगा सकते थे। तो यहाँ 3 इमेजेस एक तो पूरी लगानी चाहिए आपको, ठीक है? सेकंड, जैसे आपने यहाँ लिखा क्रिएटिव, अट्रैक्टिव, डिजायरेबल, यूनिक, प्रोफेशनल, आउटस्टैंडिंग, मॉडर्न, ठीक है? अब यहाँ अगर मैं लोगो लिखता हूँ तो आप देखें कि फर्स्ट में लोगो डिजाइन आ रहा है, लोगो एनिमेशन आ रहा है, बिजनेस लोगो आ रहा है, ठीक है, ट्विच आ रहा है, गेमिंग लोगो आ रहा है, तो ये लोगों की ऐसी सर्विसेज जो के ज्यादा सर्च हो रही हैं वो आ रही हैं, ठीक है? तो आपने इसमें लोगो का वर्ड कहीं यूज नहीं किया, ठीक है, जो आपने कीवर्ड बेस्ड भी टाइटल लिखा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो टाइटल आप लिखते हैं कीवर्ड बेस्ड, वही बेसिकली आपका यूआरएल का पार्ट होता है, ठीक है? सेकेंड टाइम जो आप लिखते हैं वो नहीं होता।
अब यहाँ ना कहीं लोगों का वर्क, बेसिकली आप लोगों की गिग बना रहे हैं तो क्लाइंट आपका लोगों से सर्च तो करेगा, तो आपने ना लोगों का वर्ड यूज किया है ना आपने बिजनेस कीवर्ड, ऐसा होता है कि जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा होता है हर जगह, ठीक है। आप गूगल पे भी इसकी रैंक सर्च करें तो ये बहुत ज्यादा सर्च होने वाला वर्ड है, तो आपने इसको नहीं यूज किया, ट्विच को नहीं यूज किया, गेमिंग को नहीं यूज किया, ठीक है। चले एनिमेशन हम कर ही नहीं रहे थे, तो ये सारी चीजें आपने देखनी थी। उसके अलावा डिजाइन का वर्ड यूज हो रहा था, डिजाइन का वर्ड यहाँ मुझे नजर नहीं आ रहा, तो इन सब चीजों को देख के देन आप बनाया करें। अपने चीजों का यूज किया लेकिन सही से यूज नहीं किया कि उसमें सारी चीजें कवर हो रही हो। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि आपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी है, डिस्क्रिप्शन ठीक है, यानी कि आपने सब कुछ ठीक लिखा है जो लिखा हुआ है, लेकिन एंड पे आप उससे ये भी कह दिया करें कि वो आपसे कॉन्टेक्ट कर ले कि अगर उसे कोई भी क्यूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ चले आपने कीवर्ड्स का यूज किया जो कि अट्रैक्टिव थे, ठीक है। अब बिजनेस का कीवर्ड आपने यूज नहीं किया, उसको आपको करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें, अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट। मुसर्रत ने अच्छा काम किया होता है काफी, ठीक है। उन्होंने अच्छी सर्च भी, अच्छी कीवर्ड बेस भी अच्छी सर्च कर रखी है, अपने टाइटल भी अच्छे लिख रखे हैं, उनकी गिग इमेजेस भी ठीक हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपकी 3 गिग इमेजेस कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 3 आपने कंप्लीट करनी है, बाकी आपकी गिग सारी ऑलमोस्ट ठीक है। और आपने जो उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है वो भी अच्छी लिखी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपने इसके रिलेटेड टैग्स लिखे हैं वो भी ठीक लिखे हुए हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो ये अदील की थी। अदील, आपका जो बेसिकली टेक्निकल राइटिंग जैसे आपने लिखा, ठीक है। अब ये इतना ज्यादा ना तो अट्रैक्ट कर रहा है, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि आप टेक्निकल राइटिंग में आपने चलें ये 2 यूज की, ये सारी चीजें ठीक है। इसके अलावा 3rd इमेज भी आपने यूज करनी है और इसको मजीद थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा मजीद इसके अंदर कोई ग्राफिकली इफेक्ट या कोई टेक्स्ट से रिलेटेड या भी अपनी पिक्चर भी यूज करना चाहते हैं रियल इफेक्ट देने के लिए तो वो भी दे सकते हैं, तो उन सब चीजों का आपने यूज करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो आपने लिखा कि क्वालिटी रिपोर्ट, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन, ठीक है, ठीक है। अब मजीद इसको थोड़ा सा सर्च करके लिखना चाहिए था, आपने जो लिखी है वो भी ठीक लिखी है, लेकिन जब आपकी डिस्क्रिप्शन की बारी आती है तो आपने भी डिस्क्रिप्शन में वैसे ही लिखा है। अब इस डिस्क्रिप्शन को मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक प्रोफेशनल ने लिखी हुई है, ये तो ऐसे है कि जैसे आपको बता दिया जाए कि ये काम है और आपको कि ठीक है मैं इसको, अब क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ये तो वहां होता है कि जहां आप एज अ जॉब अगर आप कर रहे होते हैं तो आप बताते हैं कि मुझे ये भी आता है ये भी आता है, यहाँ तो आपने क्लाइंट को एंगेज करना है, तो एंगेजिंग कंटेंट भी होना चाहिए, यहाँ एंगेज नहीं कर रहा ये वाला कंटेंट, ठीक है। इसको मजीद थोड़ा सा अच्छा करें, और ये बाकी गिग्स के लिंक्स भी हैं स्लैक के ऊपर जो बच्चों ने किए हैं, तो उसको आप देख के उसको थोड़ा सा मजीद अच्छा सा बेहतर करके लिखें। अब जैसे इसी को हम देख लेते हैं, तो ये फायर से रिलेटेड, आप जैसे मैंने कहा था कि आपने कोई बुलेट पॉइंट बनाने हैं, ठीक है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट करना है, तो इस तरह की कोई चीज लिखनी थी, बजाय इसके कि आप 2 लाइंस के अंदर अपने डिस्क्रिप्शन को लिखें तो फिर क्लाइंट भी उसको 1 मिनट भी नहीं देखेगा, 5 सेकंड देखेगा और भाग जाएगा। तो इस तरह की चीज ना करें, आप उसको थोड़ा सा एंगेजिंग कंटेंट बनाएं क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सारी चीजें जो है वो शेयर हैं आपको, सारी डिटेल, सारे पॉइंट्स आपको मैंने शेयर किए थे कि आपने कैसे लेके चलना, तो उन सब चीजों को माइंड में रखते हुए देन आप काम करने के लिए जाएं, ठीक है। अच्छा, ये लोग थे जो मैंने आपको बता दिया, अब आपने इसको मजीद इम्प्रूव करना है। और इसके अलावा आपके ना 4-4 लोगों के मैं ग्रुप्स बनाऊंगा, ठीक है, और मैं आपसे शेयर कर दूंगा डिटेल उसकी, एक्सेल शीट शेयर कर दूंगा, और आपकी 20-20 मिनट की जूम पे मेरे साथ ना मीटिंग होगी सब लोगों की, ठीक है। उसमें मैं इसी चीज को डिस्कस करूंगा, ठीक है, आप सबकी, और कैसे आपने लेके चलना है, ठीक है। और वो बेसिकली ग्रुप कंपटीशन में आप थोड़ा सा मजीद अच्छे से काम करते हैं, ठीक है, तो आप एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे उसमें, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, वो हम
सैटरडे और संडे को, ठीक है, इसी क्लास टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही हम उसको कर लेंगे, ठीक है। 20-20 मिनट का एक सेशन होगा, उसमें वो 4 लोग ही होंगे जो ग्रुप में होंगे, ठीक है। मैं जूम के लिंक स्लैक पे सेंड कर दूंगा, आपने स्लैक पे से देख के उस मीटिंग को आपने ज्वाइन कर लेना, और आपकी भी जो इंडिविजुअल क्यूरीज होंगी वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जर्नली जो चीज होती है कि आपने अपनी किक्स तो बना ली, अब इसमें कैसे आप यानी कि लोगों को दिखाना चाहते हैं कि एक तो ये है कि ना प्लेटफॉर्म पे रहते हुए, अब इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास फेसबुक के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, फाइवर के बने हुए हैं या डिफरेंट आपके पास हैं, ठीक है, फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आप उसके अंदर जब भी कोई चीज डिजाइन करते हैं तो उसके साथ अपना लिंक फाइवर की, ठीक है, गिग का, और अपना डिजाइन, वो डिजाइन अच्छा भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि जस्ट आपने गुजारा किया हो, ठीक है, तो उसको आप शेयर करें ताकि वहां से भी लोग आपकी गिग्स को देखते हैं, तो उससे आपके इम्प्रेशन ये सारी चीजें बढ़ती हैं, तो देन भी आपके ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा इकरा मुझे मेल एड्रेस सेंड कर दें अपना, फिर मैं ऐड कर देता हूँ आपको, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और होती है कि जैसा कि आपने फेसबुक के ऊपर कर लिया, इसी तरह आप लिंक्डइन के ऊपर भी जा सकते हैं, और लिंक्डइन के ऊपर भी डिफरेंट जो ग्राफिक की एजेंसीज हैं आप उनको लाइक कर सकते हैं, ठीक है, और अपने डिजाइन्स को वहां शेयर करें, अपनी गिग्स को शेयर करें, जब भी कोई न्यू गिग बनाते हैं, कोई डिजाइन बनाते हैं उसके साथ अपने लिंक को शेयर करें, तो वहां से बेसिकली आपकी ऑडियंस बनती है, ठीक है। अब जो बन अब कोई कहीं भी कोई भी इंसान हो सकता है जिसने आपसे काम करवाना है, तो वो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से भी आ सकता है, ठीक है, तो इस तरह करके भी आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास एक और चीज होती है हिटलीप के नाम से, ठीक है, आपने सिंपली hitleap.com पे जाना है और आपने इस पे अपना अकाउंट बना लेना है, ठीक है। सिंपल है, जैसे आप साइन अप करते हैं वैसे ही है। अब हिटलीप बेसिकली क्या काम करता है कि ये आपको व्यूज देता है, आपके इम्प्रेशंस बढ़ाता है, ठीक है, तो ये बढ़ाता है कैसे है कि बेसिकली तो ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, पेड है, लेकिन हमने पेड यूज नहीं करना, हम उसी से ट्रैफिक अर्न कर रहे होते हैं और उसी ट्रैफिक को यूज कर रहे होते हैं, वो हमारी गिग्स को एज अ एड दिखा रहा होता है। और एक चीज नोट रखनी है कि आपने कभी भी किसी और प्रोफाइल के ऊपर इसको यूज नहीं करना, जस्ट फाइवर के ऊपर करना है। फाइवर पे ये ठीक है, लेकिन अगर आप अपवर्क पे या किसी और पे यूज करते हैं तो आपकी आईडीज के ब्लॉक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और यहाँ जो आप यूज करेंगे लिंक हिटलीप पे, वो आपने अपनी गिग्स के लिंक यूज करने हैं। अगर तो आप अपनी प्रोफाइल को व्यू करवाना चाहते हैं तो प्रोफाइल का करें, अदरवाइज अपनी गिग्स को जब ओपन करके जो गिग का लिंक आ रहा होता है उसको आप पेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि ये काम कैसे करता है, सबसे पहले तो आपने जाना है अर्न ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप अर्न ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको डाउनलोड फॉर विंडोज, आपका एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है, और जो आपने लॉगिन साइन अप डिटेल थी आपकी, वही आप जो आपकी लॉगिन डिटेल है वही लॉगिन डिटेल आपने उस सॉफ्टवेयर के अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। तो आपका सॉफ्टवेयर ऑन हो जाएगा, उसमें एड्स चल रहे होंगे बेसिकली। अब ये क्या है कि वहां से आप एड से हिट्स को अर्न कर रहे हैं, यानी कि आप उस सॉफ्टवेयर में एड चल रहे हैं, आप उसको मिनिमाइज करके छोड़ दें, वो एड्स चलते रहेंगे, इसका मतलब है कि आप उसके एड देख रहे हैं, ठीक है, चाहे आप नहीं देख रहे, तो वहां से वो हिट अर्न कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ आपके हिट्स आ रहे होते हैं कि आपने कितने हिट्स अर्न कर लिए, ठीक है। आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसमें लॉगिन करके आपने उसको छोड़ देना है, और सेम लॉगिन डिटेल होगी जो आपने वेब पे की होगी, ठीक है, और आपने विंडो के लिए इसको डाउनलोड कर लेना, और फिर आपने जब भी काम कर रहे होंगे तो आप उस सॉफ्टवेयर को चला के उसको मिनिमाइज करके छोड़ देंगे, ठीक है। अब सेकेंड बारी आती है कि आपकी वेबसाइट, कि आप अपने जो गिग के लिंक हैं या प्रोफाइल के लिंक हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 3 लिंक्स आपको वो अलाउ करता है, अगर मजीद आप कराना चाहते हैं तो आपको इसको स्लॉट्स बाय करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब यहाँ सिंपली आपने क्या करना है कि आपने अपने जो वेबसाइट के जो भी लिंक हैं, जो आपके फॉर एग्जांपल आपके किक का लिंक है या आपकी प्रोफाइल का लिंक है, वो यहाँ आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपके पास जो लिमिट्स हैं, सेम लिमिट ना रखें, रैंडम रखें, आप फॉर एग्जाम्पल आप कर दें कि 50 to 1700 हिट्स, ठीक है, या जितना भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद सेंड मैनी हिट्स एज पॉसिबल एंड लॉन्गर हिट्स, नो डाउट, ठीक है, आपने यही इसी फॉर्मेट
को सिलेक्ट करना है, उसके बाद के डायरेक्ट या रेफरल, तो आप इसको डायरेक्ट सोर्स आप यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सर्च के जो लोग सर्च कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ कीवर्ड्स भी लिख सकते हैं कि ये कीवर्ड्स जो लोग यूज कर रहे हो आपकी गिग इमेज उसको यूज होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया की तरफ जाना चाहते हैं, जिसमें रेफरल में जाऊं तो ये सारी चीजें फिल कर सकता हूँ, तो आपको फेसबुक से चाहिए या यूट्यूब से चाहिए, कहाँ से चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो आपकी गिग बेसिकली है या जो लिंक है वो किन कंट्रीज को शो होने चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इसको सबमिट कर देते हैं, तो देन आपके बेसिकली आप फिर इसको ओपन करें ना करें, जस्ट आपने सॉफ्टवेयर ओपन करके रखना है, वहां से वो हिट्स ऑटोमेटिकली अर्न कर रहा होता है और यहाँ वो आपके शो हो रहे होते हैं कि आपने कितने हिट्स अर्न कर लिए हैं, ठीक है। और देन वो उनको यूटिलाइज कर रहा होता है आपके लिंक्स के लिए, जो आपने लिंक्स बेसिकली हिटलिस्ट पे दिए होते हैं, ठीक है। इसके समझ आ गई कि आपने सिंपली क्या करना है, अर्न ट्रैफिक पे जाके एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है, उसमें लॉग इन डिटेल करनी है और देन उसको छोड़ देना है। उसके बाद माई वेबसाइट में जाना है, आप अपनी प्रोफाइल का लिंक भी कर सकते हैं और अपनी गिग का लिंक भी कर सकते हैं, और उसमें आप अगर स्पेसिफिक कंट्री वाइज जाना चाहते हैं तो वैसे भी जा सकते हैं, अगर कीवर्ड बेस्ड जाना चाहते हैं तो वैसे भी जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे आप यूट्यूब पे डिफरेंट चीजें देख रहे होते हैं, तो वो एज अ एड आपकी गिग को या आपकी प्रोफाइल को लोगों को दिखाएगा, ठीक है। वहां से भी आपके क्लिक्स और व्यूज बढ़ रहे होते हैं, जिससे आपकी गिग के रैंक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये था हिट लिंक, इसकी समझ आ गई होगी आप सब लोगों को, ये कोई इशू है इसके अंदर, क्लियर है? अगर क्लियर है तो यहाँ लिखते हो ओके, कमेंट्स में बता दें, तो एक आधा बंदा ही बता दे ताकि फिर हम आगे चलें। चले, अगर किसी की कोई क्यूरी होगी तो एंड पे मेरे से पूछ लेगा। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो बेसिकली बिहांस का टॉपिक है, ठीक है। बिहांस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास एक पोर्टफोलियो साइट है, डिजाइनर के पास पोर्टफोलियो का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो आप उसको अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, तो देन ही आपका ऑर्डर या आपके ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाद अगर होता है कि विदाउट पोर्टफोलियो भी आपको ऑर्डर मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो है, आपके अच्छे डिजाइन है, तो देन आपके ऑर्डर लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और बिहांस से कैसी साइट है कि जो आपको फ्री पोर्टफोलियो बनाने बनाने के लिए देती है, अगर इस तरह देखें तो हमारे पास ड्रिबल है जो कि पेड है, ठीक है। तो बिहांस से आपके पास पोर्टफोलियो साइट है जिसमें आप तमाम लोग डिजाइनर्स जो हैं वो अपने डिजाइन को प्रेजेंट कर सकते हैं और क्लाइंट्स को वो दिखा सकते हैं, कि बेसिकली आप इसका लिंक आप उसको शेयर कर सकते हैं क्लाइंट्स को, कि यहाँ से वो आपके डिजाइन को देख लें और अपने डिजाइन को आप एक कंप्लीट ब्रीफ के साथ लिख रहे होते हैं, ठीक है। इसमें अभी आपने सिंपली साइन अप कर लेना है बिहांस पे जाके, जैसे आप फेसबुक के ऊपर साइन अप करते हैं वैसे ही आपने सिंपल साइन अप करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप टीम्स के साथ भी जा सकते हैं, आपको ओनर्स भी बना सकते हैं अपने डिजाइन के, ठीक है। अब जैसे डिफरेंट डिजाइन्स हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब ये टास्क के बारे में लिखा हुआ है कि आपने पोर्टफोलियो साइट के ऊपर बेसिकली आप अगर गूगल ड्राइव पे रखते हैं तो वहां जस्ट अपना आप डिजाइन दिखा रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप बिहांस पे रखते हैं तो आप कंप्लीट अपना बता रहे होते हैं कि आपने ये जो टास्क था ये किसके लिए था और आपने ये कैसे किया, किस किस चीज को देखते हुए आपने इसको बनाया, ठीक है। सेकेंडरी रिसर्च पेपर वर्क जो आपने किया वो कैसे किया, तो आप कंप्लीट एक व्यू दे रहे होते हैं, जिससे ये हेल्प होती है क्लाइंट की कि वो कहता है कि वाकई ये एक अच्छा डिजाइनर है जो एक पूरी डिजाइन साइकी को लेके चलता है, और जो अब बेसिकली जो क्लाइंट ने जो चीज दी थी वो ये थी, ठीक है। इससे आइडिया लेके आपने बाकी पेपर वर्क किया, सारा कुछ किया, देन आपने डिजाइन इस तरह कर दिया, ठीक है। तो ये आप सारी चीजें इस तरह लेके चल रहे होते हैं कि आप स्क्रैच से लेके चल रहे होते हैं। अब जिस तरह अगर मैं यहाँ देखूं, अहमद मेरे कुलीग हैं बहुत अच्छे, ठीक है, काफी अर्सा हमने इकट्ठे काम किया है, ठीक है। अभी भी कभी कभी किसी प्रोजेक्ट पे इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तो जैसा कि हमारा ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, स्मोकिंग से रिलेटेड। अब स्मोकिंग से रिलेटेड ये एक ऐप
ठीक है, जिसमें आप अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। अब बेसिकली ये क्या थी कि स्मोकिंग को क्विट कराने के लिए, ठीक है, आप स्मोकिंग छोड़ दें। तो इसमें बेसिकली एक आइडिया ये था कि आप वहां लिख देते हैं कि आप ऑलरेडी इतनी सिगरेट पीते हैं, तो अगर आप दो सिगरेट्स छोड़ देते हैं, आप आइडिया सेट कर देते हैं कि नहीं मैंने अब बस एक पीनी है या मैं इसको छोड़ दूंगा, तो आप जो उसके ऊपर स्पेंड कर रहे होते थे अमाउंट, तो आप उन सारा डाटा को रखते थे और आफ्टर 3 मंथ अपना एक टारगेट सेट कर लेते थे कि वहां आपने ये चीज लेनी है, तो आप उस टारगेट को देखते हुए अपनी जो सिगरेट होती थी उसको छोड़ देते थे। तो ये बेसिकली क्या था कि आपकी माइंड साइकिल के साथ खेल रहा होता था कि अगर आपने ये चीज लेनी है तो ये चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, तो उससे आप स्मोकिंग से बच जाते थे। ठीक है, अब ये देखेंगे अगर हम इसको सिंपली देखें तो यानी कि अगर हम सिंपली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो आपके डिजाइन इतने अच्छे दिखाई नहीं दे रहे होते, तो आप इसको एज अ 3D मॉकअप के तौर पे दिखा रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि 3D मॉकअप फोटोशॉप आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे, तो आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर आप अब ये देखें कि उससे रिलेटेड आपने सारी चीजें लिखी, आइडिया लिखा कि बेसिकली हम इस पर कैसे काम कर रहे थे, फिर आपने बताया कि ये इसकी स्प्रेड स्क्रीन है जो कि फर्स्ट स्क्रीन है, ठीक है, ये क्लाइंट्स की पर्सनल इन्फो होगी, ठीक है, जैसे अब उसमें एज यू स्टार्टेड स्मोकिंग, नो टाइम ट्राई टू क्विट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सिगरेट, तो ये सारी चीजें। उसके बाद ये मेन्यू था, ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल से रिलेटेड आपकी, ठीक है, उसके बाद सेविंग्स कि आपने कितनी डेज है जो स्मोकिंग आपने सिगरेट नहीं पिए और कितने डॉलर आपने सेव कर लिए, तो वो भी साथ से शो हो रहे होते थे। ठीक है, विश लिस्ट आपकी शो हो रही थी कि आप क्या चीज परचेज करना चाहते हैं, तो ये एक बड़ा मजे का आइडिया था। ठीक है, उसके बाद आप बता रहे होते हैं कि आपने इसके अंदर कहाँ से इमेजेस यूज की, कौन से फॉन्ट यूज किए, तो ये सारी चीजें आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब यहाँ से क्लाइंट को एक चीज ये आइडिया हो जाती है कि बेसिकली आप जो काम करने जा रहे हैं आप कहाँ कहाँ से रिसोर्सेस लेंगे, ठीक है, आपने ये काम खुद किया था। सबसे जो बड़ी चीज होती है ना कि ट्रस्ट हो जाता है क्लाइंट को कि इसको वाकई ही अच्छा काम आता है और इसकी एक डिजाइन साइकी है कि उन चीजों को फॉलो करते हुए डिजाइन करता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हमारा एक और प्रोजेक्ट था, ठीक है, जैसे हमारे पास ये है। अब एक वे था कि आपने देखा कि जिस तरह क्विट स्मोकिंग वाली थी कि उसमें आपने तमाम चीजें लिखी हुई थी, अब एक ये वे होता है कि आप सिंपली अपने जो आपने डिजाइन किया उसको आप इस तरह दिखाई जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर इसमें देखें और उस चीज में देखें तो ये जमीन आसमान का फर्क है। एक तो ये है कि जस्ट यहाँ आपने अपने डिजाइन को दिखाया कि ये आपकी एंड्रॉयड ऐप की स्क्रीन है, ठीक है, और एक चीज ये है कि आपने जो आपका फॉर एग्जाम्पल जो आपके प्रोजेक्ट था आपने उससे रिलेटेड ब्रीफ लिखी कि ये कैसे कैसे काम करता है, आपने कहाँ कहाँ से ये चीजें ली, कौन सा आपने फॉन्ट यूज किया, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप क्लाइंट जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट होता है, उसे बेसिकली ये समझ आती है कि वाकई ही ये इसने किसी के लिए काम किया था। अगर आप इस तरह डिजाइन अच्छे अच्छे रख देते हैं और आप उससे रिलेटेड प्रॉपरली बताते नहीं है कि आपने कैसे पेपर वर्क किया था, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रॉपर एक पेपर वर्क किया करें, उसको भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया करें कि इसके लिए आपने कैसे रिसर्च की थी, ठीक है, देन आप जाया करें अपने डिजाइन से रिलेटेड जो भी आप चीजें कर रहे हैं कि आप एलिमेंट्स ले रहे हैं तो कहाँ से ले रहे हैं, आपने कोई आइकन्स लिया था तो कहाँ से लिया था, आपने कोई इमेजेस ली थी तो कौन सी साइट से ली थी, तो आप अपनी रिसोर्सेज भी बता रहे होते हैं कि बेसिकली आपने यहाँ यहाँ से ये चीजें यूज की थी, तो देन आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है क्लाइंट के ऊपर। ठीक है, अगर आप इस तरह सिंपली अपने डिजाइन को दिखा देते हैं, अब ये दोनों वे के साथ दिखाया हुआ है, ठीक है, अगर आप उसको देखें तो उसके ज्यादा व्यूज होंगे और इसके कम व्यूज होंगे क्योंकि वो एक अच्छे तरह से दिखाया गया है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल और एक चीज यहाँ आपको नजर आ रही होगी कि जैसे ये आपके पास डिजाइन्स हैं, ये डिजाइन्स हैं, तो यहाँ से आपको एक और चीज भी आइडिया हो रही होगी कि बेसिकली आप अपने टेक्स्ट को कैसे यूज करते हैं कि जिसके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करवाना होता है आप उसका कलर या उसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आपको नजर आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखते हुए और 3D मॉकअप्स के ऊपर सारी चीजें दिखाई गई हैं, तो इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए आप डिजाइन्स की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, अब हम अगर नेक्स्ट चलें कि आपने यहाँ कैसे अपना जो डिजाइन्स हैं वो बेसिकली कैसे आप इसमें डिजाइन पुट करते हैं, कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो उस सब चीजों को हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम सिंपली चलते हैं कि प्रोफाइल के ऊपर चले जाते हैं कि प्रोफाइल को आपने कैसे सेट करना है। ठीक है,
आप यहाँ प्रोफाइल पे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद एडिट प्रोफाइल पे जाते हैं, यहाँ अपना नेम वगैरह जो भी आपने लिखना है, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, वो आपने लिखना है, कंपनी अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो वो आपने लिखना है, लोकेशन क्या है, अगर आपके कोई वेबसाइट का यूआरएल है, ठीक है, आपने कोई पोर्टफोलियो साइट बनाई हुई है तो वो आप लिख रहे होते हैं, और यहाँ आप अपनी एज अ टीम भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, आप किसी टीम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ आप अपनी टीम भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ओनर एक डिजाइन के बन सकते हैं अगर आप टीम में काम कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा आपने ये डिफरेंट क्लाइंट्स को लिंक कर लेना है, ठीक है, उसके अलावा अपने आप एक टाइटल लिख रहे होते हैं, अपने रिलेटेड वन लाइनर और अपने रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं, जिसना फाइवर की आपने लिखी थी वैसे ही आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस आप डिफरेंट कंपनीज का अपना यहाँ मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है, वेब रेफरेंसेस, और अगर आपने अपना जो एक्सपीरियंस था जो आपने काम किया था उससे रिलेटेड आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली सिंपली आपकी प्रोफाइल होती है, ठीक है। अगर मैं बैक टू प्रोफाइल जाऊँ कि आपने अब प्रोजेक्ट को कैसे लेके चलना है, कैसे आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो वो बेसिकली सिंपल है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपका प्रोजेक्ट एडिटर जो है वो आपका ऑन हो जाता है। अब यहाँ आप देखें तो सिंपली आपके पास लिखा हो रहा है कि अपलोड फाइल, ठीक है, एड टेक्स्ट, एम्बेड मीडिया, अगर आप कोई मीडिया एम्बेड करना चाहते हैं, कोई लिंक एम्बेड करना चाहते हैं, लाइट रूम से डेक फोटोज लेके आना चाहते हैं, फोटोज को आप ग्रिड में शो कराना चाहते हैं कि आपके पास चार फोटोज शो हो, ठीक है, और उसके बाद आपके पास होता है एडिट स्टाइल्स एंड लेआउट, कि आप जो है अगर आप मल्टीपल इमेजेस यूज कर रहे हैं, जिस तरह आपने अभी स्क्रीन देखी थी तो मल्टीपल्स थी, उनके दरमियान आपने कितनी स्पेसिंग रखनी है, हेडर के दरमियान कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है, डिवाइडर कितना होना चाहिए, यानी कि अगर आप डिवाइडर लाइन लगाना चाहते हैं इन दो इमेजेस के दरमियान तो वो आप लगा सकते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं, मिनी डॉटेड भी, और उसका कलर आपने क्या रखना है वो भी कर सकते हैं, और बैकग्राउंड का आप क्या कलर रखना चाहते हैं, अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब वो अभी हम डिजाइन में जाते हैं, जब कोई चीज अपलोड करेंगे तो वहां मैं आपको बता भी दूंगा कि बैकग्राउंड मीन क्या था, ठीक है। तो आप कलर सिंगल रखना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से कलर सेलेक्ट करके या आरजीबी वैल्यूज देके कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई इमेज अपलोड करना चाहते हैं बैकग्राउंड में तो इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट बैकग्राउंड जो इमेजेस होती हैं, अगर आप सिंगल कलर सॉलिड कलर नहीं रखना चाहते तो आप वो रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिकली था वो। अब टेक्स्ट के लिए आज से कि आपके पास जो हेडर टेक्स्ट होगा, ठीक है, जो आप स्टार्ट में जो अपना टाइटल लिख रहे होंगे सारी चीजें, हेडर जो टेक्स्ट होगा उसके लिए आप कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, या डिफरेंट आपके पास फॉन्ट आ रहे होते हैं, ठीक है, आप कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, उसका साइज क्या रखना चाहते हैं, ठीक है, और लाइंस के दरमियान कितनी वो होनी चाहिए, स्टाइल्स बोल्ड इटैलिक होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, टेक्स्ट कितना लाइन होना चाहिए, आप यहाँ से भी ये सेट करके रख सकते हैं कि आपने एक बार सेट कर दिया, आप वहां जो लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली उसी स्टाइल के अंदर लिखेगा, ठीक है, और आप वहां रहते हुए भी उस चीज को एडिट कर सकते हैं। इसी तरह आप सब हेडर जो लिखेंगे उसका क्या होना चाहिए, पैराग्राफ का क्या होना चाहिए, जो आप कैप्शन लिखेंगे उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर कोई आप लिंक्स लिंक देते हैं, यानी कि कोई वेबसाइट का लिंक देते हैं या किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल का लिंक देते हैं तो उसका लिंक का कलर क्या होना चाहिए, वो अंडरलाइन होना चाहिए या थोड़ा सा अपसाइड पे होना चाहिए या वो क्रॉस हुआ हो तो ये किस तरह का और किस कलर में होना चाहिए, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख रहे होते हैं, ठीक है। अब सिंपली हम यहाँ चले जाते हैं, यहाँ से भी अपलोड फाइल कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एक फाइल को अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है, जो कि मेरा डिजाइन है, ठीक है। अब ये तो बेसिकली आपके पास सिंपल एक डिजाइन है, तो आपने यहाँ से इसको लिया या आपने ओपन किया, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ आ गया, ठीक है। तो आप इसको एज अ 3D भी दिखा सकते थे कि आप इसको किसी चीज के ऊपर प्लेस कर सकते थे 3D मॉकअप के अंदर। अब 3D मॉकअप आप बहुत ज्यादा आपके माइंड में चल रहा होगा कि हम इसको जल्दी से जल्दी पढ़ लें, तो इनशाला हम नेक्स्ट वीक के अंदर इस चीज को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका बेसिकली एक डिजाइन आ गया। अब ये भी हो सकता है कि आप एडोब स्ट्रेटर के अंदर ही एक साइड पे डिजाइन रख लें, अपने आर्ट बोर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर लें, उसी के साथ आप अगर डिफरेंट तरह से डिजाइन करके कोई आइकन का यूज करके आप टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप वहां से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहाँ आपके पास आ रहा होता है कि आप अपनी जो इमेज है उसको, यानी कि उसका पैडिंग जो है वो अंदर की तरफ रखना चाहते हैं या कॉर्नर्स तक होना चाहिए, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं ये क्लिक करता हूँ तो ये सेंटर में चली जाएगी, ठीक है आपके, और ये जो आपके पास एरिया आ रहा है ये आपका बैकग्राउंड कलर है, ये जो अभी वेट वाइट सेलेक्ट हुआ है।
अगर आप यहाँ से ग्राफिक एडिट एंड स्टाइल लेआउट में जाके इसका कलर चेंज करते हैं तो इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ बैक एंड पे कोई इमेज रखना चाहते हैं, कोई बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, ठीक है, कोई इमेज टाइप में, तो वो इमेज भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देता है, ठीक है। अगर आप नहीं कोई सिंपल ही रखना चाहते हैं तो आप सिंपल भी रख सकते हैं, और यहाँ से सिंपली अगर दोबारा क्लिक करें तो ये आपके कॉर्नर तक चला जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है कि आप जो इमेज के टैग देना चाहते हैं कि जो क्लाइंट बेसिकली सर्च करेगा, ठीक है, वो किस किस तरह कौन कौन से वर्ड्स अगर सर्च करे तो आपका डिजाइन भी वहां शो हो, तो आप यहाँ अपने क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्लाइंट इस तरह की चीज को कैसे सर्च कर सकता है, तो ये अगर आपके फ्लायर में ऐड हो रहा है, ठीक है, किस फील्ड से है, तो उन सब चीजों को माइंड में रखते हुए आप यहाँ अपने टैग्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल टेक्स्ट के अगर फॉर एग्जाम्पल जिस तरह अक्सर होता है कि आपकी जो इमेज है वो लोड होने में टाइम ले रही होती है, जब तक वो लोड नहीं होती तो वहां आप अल्टरनेट टेक्स्ट लिख सकते हैं कि वो टेक्स्ट नजर आ रहा हो कि बेसिकली ये इमेज किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक फ्लायर था, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड था, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि बेसिकली फ्लायर वर्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग, के अगर आपका डिजाइन नजर नहीं आ रहा तो आपका अल्टरनेट टेक्स्ट यहाँ नजर आ रहा हो, ठीक है। तो ये तो आपके पास सिंपल था, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ आ जाता है कि अगर आपने यहाँ मल्टीपल इमेजेस यूज किए होता है रिकॉर्ड प्रोजेक्ट के अंदर, अभी मैं एक और इमेज भी यहाँ कर देता हूँ तो उससे फिर आपको मजीद आइडिया हो जाएगा। और इस तरह अगर आप कोई कैप्शन ऐड करना चाहते हैं बॉटम के ऊपर के आपके इमेज के नीचे कोई कैप्शन आए तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह आपने इमेज को रिप्लेस करना है तो यहाँ से इमेज रिप्लेस भी कर सकते हैं, और आपने इमेज को डेल करना है जिस तरह मल्टीपल आपने इमेजेस ली होती है तो आप उसको डेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं एक और इमेज भी यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, जैसा कि मेरे पास यहाँ ये इमेज है एक, ठीक है, ठीक है, मैं एक और इमेज मैंने अपलोड कर दी। अब अगर हम यहाँ आते हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो रिकॉर्ड प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो यहाँ हमारे तमाम के तमाम प्रोजेक्ट शो हो रहे होते हैं, यानी कि तमाम के तमाम डिजाइन शो हो रहे होते हैं। और यहाँ से सिंपली अगर हम फर्स्ट पे उसको रखना चाहते हैं या किसी की जगह चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली लेफ्ट करके हम उसको ड्रैग करके उसकी जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सेव न्यू ऑर्डर उसको जैसे भी चेंज करके करना चाहते हैं तो सेव न्यू ऑर्डर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके यहाँ सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। अब अगर हम बात करें तो यहाँ आपके पास आ रहा होता है कि आपने जो हेडर टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है, तो यहाँ आप सिंपली फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा हुआ है द मनीज बिटवीन द लाइंस, ठीक है, तो आप यहाँ अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप इसको सारे को सेलेक्ट करते हैं तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने इसका फॉन्ट स्टाइल क्या रखना है, ठीक है, आपने इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ठीक है, इसका साइज क्या रखना है, तो आप यहाँ से सारी चीजें, और इसको अगर पैराग्राफ टाइप पे लिख रहे हैं तो लेफ्ट अलाइन रखना है, राइट अलाइन रखना है, ठीक है, अगर आप कोई लिंक देना चाहते हैं आप कोड को एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई एम्बेड करना चाहते हैं मीडिया को कोड के साथ, नहीं आप सिंपली इसके बैक एंड पे नहीं जा रहे होते, आप सिंपली इसमें डिजाइन को पुट कर रहे होते हैं और यहाँ अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे होते हैं। जैसे आप वर्डप्रेस में अक्सर देखते हैं कि अगर बैक एंड पे ना जाएं तो आप उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप चीजें कर रहे होते हैं और आपकी एक साइट बन जाती है, तो ये भी उसी तरह है कि यहाँ आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं और आपका कंप्लीट एक पोर्टफोलियो बन रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ आप अपना टाइटल जो भी लिखना चाहते हैं, इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, और इसी चीज की मैं बात कर रहा था कि जब आप एडिट एंड लेआउट स्टाइल में होते हैं तो वहीं से अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वहां से भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके जो मैं कह रहा था कि ये स्पेसिंग का जो मैं इसमें बता रहा था, तो स्पेसिंग बेसिकली ये स्पेसिंग है, और यहाँ अगर आप डिवाइडर लगाना चाहते हो तो डिवाइडर भी लगा सकते थे। और अगर आप यहाँ आए तो यहाँ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं कि अगर आपने फर्स्ट इमेज के दरमियान टेक्स्ट लिखा तो यहाँ भी आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप अपने डिजाइन को स्क्रैच से दिखा सकते हैं कि फर्स्ट आपने किस चीज के लिए काम कर रहे थे, कैसे आपने पेपर स्केच एक बनाया, देन फिर आपने उसके डिजाइन के अंदर उस चीज को कन्वर्ट किया कि बेसिकली कैसे आपने उसको डिजाइन के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है, आपने कैसे स्टेप्स के अंदर ले लिया। आप डिफरेंट कलर्स में दिखा सकते हैं
जिसमें आपके पास लोगो होता है, आप उसको टी शर्ट के ऊपर भी दिखा सकते हैं, किसी वेबसाइट के ऊपर भी एज अ मॉकअप दिखा सकते हैं, किसी लेटर हेड के ऊपर भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली आप एक कंप्लीट अपना एक पोर्टफोलियो दिखा रहे होते हैं कि इस चीज को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसमें ये भी बता रहे होते हैं कि आपने फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका एक लोगो है तो वो इस कलर के बैकग्राउंड के ऊपर कैसा लगेगा, यानी कि आप मल्टीपल बैकग्राउंड में भी वो चीज दिखा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर आप ये भी बता रहे होते हैं कि आपने जो इमेज यूज की वो कहाँ से की, जो टेक्स्ट यूज किया वो कौन सा है, यानी कि आप कंप्लीट एक गाइड कर रहे होते हैं। तो बिहांस आपके लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है कि आप बिहांस पे मल्टीपल लोगों के पोर्टफोलियो जाके देख सकते हैं कि वो किस फॉन्ट को लेके चले, ठीक है, कहाँ से वो उसने ये इमेज ली, ठीक है, कहाँ से वो अगर कोई आइकन यूज कर रहा है तो कहाँ से लिया। तो आप उस तरह से भी डिजाइन को कॉपी कर सकते हैं। एक भी है कि आप गूगल पे जाते हैं, डिजाइन को कॉपी करते हैं, तो आप डिजाइन कुछ हद तक बना लेते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ तो आपको कंप्लीट आपको रिसोर्सेस बताए गए होते हैं कि बेसिकली आपने डिजाइन को कैसे लेके गए हैं, कौन कौन से फॉन्ट यूज किए, कौन से कलर यूज किए, ठीक है, अक्सर ने तो कलर कोड भी लिखे होते हैं। तो आप भी अपनी यहाँ जब पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको सब चीजें मेंशन करनी चाहिए ताकि लोग आपको एडमायर करें, ठीक है, अप्रिशिएट करें। तो देन आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स भी ले सकते हैं पोर्टफोलियो के थ्रू भी, और यहाँ से आपके पास डायरेक्ट क्लाइंट्स भी आ रहे होते हैं, डायरेक्ट कंपनीज भी आ रही होती हैं, ठीक है, जो आपको डायरेक्ट यहाँ से हायर कर रही होती हैं। अब उसके बाद अगर मैं इसको कंटिन्यू करूँ, ठीक है, तो देन मेरे पास नेक्स्ट एक विंडो सी ओपन होकर आ जाती है कि अब जैसे हमारे पास ये तो एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है। अब बिहांस पे जब आप देख रहे होते हैं मल्टीपल लोगों के प्रोजेक्ट नजर आ रहे होते हैं तो वह एज अ गिग नजर आ रहे होते हैं। तो यहाँ भी आप अपना एक थंबनेल यूज कर सकते हैं कि आप जब यानी कि आपको प्रोजेक्ट जो मल्टीपल प्रोजेक्ट होंगे जो मल्टीपल लोगों के शो हो रहे होंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो एज अ गिग ही एक तरह से शो हो रहा होगा, उसको आप कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट आपका एक प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने एक थंबनेल इमेज एक लेनी होती है। अगर आप अपने डिजाइन में से ही सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आपके तमाम डिजाइन आ रहे होते हैं जो आपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किए होते हैं, ठीक है। और यहाँ से उस डिजाइन का अगर जो आपने सेलेक्ट किया उसकी इमेज को अगर बड़ा करना है या छोटा करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ड्रैग करना है कितना एरिया आपको चाहिए तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई इमेज अपलोड करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो अब ये कट हो रहा है, तो कभी होता है कि आप उसी डिजाइन के अंदर से ही चीज को क्रॉप करके लगा लेते हैं और वो एक क्लियर मैसेज दे रही होती है। और बाज का तो ज्यादा अच्छा यही होता है कि आप उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, आप उसको अलग से डिजाइन करें। तो इसके लिए आपको ये साइज भी बता दिया गया है, ठीक है, कि 808632 पिक्सल के अंदर होगी तो आपके एग्जैक्ट यहाँ जो चीज है वो नजर आएगी, और पिक्सल के अंदर 808632 पिक्सल्स के अंदर, ठीक है। तो देन यहाँ अपना आप थंबनेल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ अपने प्रोजेक्ट का टाइटल भी लाजमी लिखना है। अक्सर आप कहते हैं कि सर ये तो आगे नहीं जा रहा, कंटिन्यू नहीं हो रहा, तो वो इसलिए नहीं हो रहा होता कि आपने बेसिकली क्या किया होता है, अपने प्रोजेक्ट का टाइटल नहीं लिखा होता, ठीक है। जब प्रोजेक्ट का आप टाइटल नहीं लिखते तो वो कहाँ से कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ कोई भी लिख देते हैं, ठीक है, देन अब यहाँ से जाते हैं और इसको मजीद आगे, ठीक है, यहाँ आपने टाइटल लिखा और ये क्रॉप एंड कंटिन्यू आपने किया, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये डिफरेंट चीजें आ रही होती हैं। अब यहाँ से आपको अंदाजा होगा कि आप क्लाइंट के लिए जब काम कर रहे होते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को कैसे कैसे शो कर सकते हैं अगर आप किसी और जगह भी शो करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ वो आपसे पूछता है बेसिक इन्फो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। अब इन सब की बेस के ऊपर बेसिकली आपका जो डिजाइन है वो ज्यादा रैंक हो रहा होता है, लोग उसको देख रहे होते हैं, अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि बेसिकली आपकी जो फील्ड थी वो कौन सी थी, आपने किस फील्ड के अंदर, ब्रांडिंग के अंदर थी, फैशन के अंदर थी, ग्राफिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, मोशन ग्राफिक या फोटोग्राफी से रिलेटेड, किस से रिलेटेड थी, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिजाइन, आर्ट डिजाइन, ठीक है, उसको डन करके यहाँ से आप अपनी मल्टीपल यानी के सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपको थ्री ऑप्शन देता है कि आप थ्री फील्ड इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो डिजाइन है वो किस फील्ड से रिलेटेड था। उसके बाद आपके पास आता है कि आपने जब इसको बना रहे थे तो कौन कौन से टूल्स आपने यूज किए, कि आपने फोटोशॉप यूज किया, एडोब स्ट्रेटर यूज किया, एडोब एक्सडी यूज किया, कौन कौन से टूल्स आपने यूज किए, तो आप यहाँ अपने टूल भी मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपके पास आता है कि अपने को ओनर्स, यानी कि आप अगर टीम में काम कर रहे हैं तो आप अपना यूजर नेम के साथ
ठीक है, आपके जो यूजर नेम जो होगा, आप उस यूजर नेम के साथ यहाँ सर्च करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ आपके पास आ जाता है जितने भी यहाँ यूजर नेम होते हैं, तो आप उनको डन कर सकते हैं और यहाँ मल्टीपल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप को ओनर एक ही रख सकते हैं, आप मल्टीपल को ओनर भी रख सकते हैं अपने डिजाइन के। अब को ओनर का फायदा क्या होता है कि जो एप्लीकेशन आपके डिजाइन पे आएंगी वो उस को ओनर की प्रोफाइल पे भी ऐड होंगी, ठीक है, यानी कि आप दोनों लोगों की प्रोफाइल्स के ऊपर वो उनकी एप्लीकेशन जा रही होंगी, यानी कि वो एक इंडिविजुअल पर्सन की नहीं है, जितने भी उसके को ओनर्स होंगे उन सबको उसकी एप्लीकेशन वगैरह सारी चीजें उसकी प्रोफाइल के ऊपर ऐड हो रही होंगी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, तो आपके कॉपीराइट के डिफरेंट आपके पास वो डिफरेंट आपको देता है कि फॉर एग्जाम्पल उसने साथ लिखा भी हुआ है कि अदर कैन यूज एंड मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट योर वर्क कमर्शली एज लॉन्ग एज दे गिव यू क्रेडिट, ठीक है। अगर वो क्रेडिट दे तो देन उसको वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, कमर्शली यूज भी कर सकता है। तो यहाँ आपके पास ये डिफरेंट ठीक है टाइप्स हैं आपकी कॉपीराइट्स की, ठीक है। तो आप यहाँ से जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस तरह का भी सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको रीड करके देख लें कि आप उसकी कॉपीराइट्स इशू देना चाहते हैं या क्लाइंट उसको फ्रीली यूज कर सकता है, कमर्शियली यूज कर सकता है, ठीक है। तो आप उसमें से जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं वो यही कर रहे होते हैं कि आपके डिजाइन को कोई भी बंदा कमर्शियली यूज ना करे, ठीक है, क्योंकि आपने जो पोर्टफोलियो रखा होता है वो भी आपने किसी क्लाइंट के लिए रख बनाया होता है। तो जब एक क्लाइंट ऑलरेडी यूज कर रहा है तो देन कोई अगर और उसको कॉपी करता है तो फिर कॉपीराइट के इशू आ जाते हैं। तो इसलिए आप उसको ये नहीं कहते कि आप वो इसको यूज करें। अगर आप अपना कोई डिजाइन बना के रख लेते हैं, जैसे कि आपने कोई टेम्पलेट बनाया, तो वो क्या आप कहते हैं कि अगर किसी को ये चीज चाहिए तो वो आपको क्रेडिट दे और इसको कमर्शियली यूज कर ले, तो उस वे में तो जा सकते हैं। अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए कोई चीज बनाई थी तो आपने पोर्टफोलियो में ऐड की है, तो देन आप उसको कॉपीराइट के जो टाइप है वो वही रख रहे होते हैं कि जिसमें वो क्लाइंट उसको कमर्शियली और उसको कॉपी ना कर सके। अगर पर्सनल यूज के लिए वो यूज करना चाहता है तो देन ठीक है, अगर कमर्शियली करना चाहता है तो देन नहीं कर सकता। अगर कुछ में होता है कि वो पर्सनली भी नहीं कर सकता, जस्ट उसे देख सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास चीज आ जाती है। उसके बाद के आपका जो प्रोजेक्ट है वो एडल्ट कंटेंट है, तो आप उसमें ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है डिस्प्ले ऑप्शन। डिस्प्ले ऑप्शन में ये है कि आपका जो डिजाइन है वो जस्ट बिहांस के ऊपर शो हो या बिहांस के अलावा भी किसी और, यानी कि प्राइवेट रखना चाहते हैं तो प्राइवेट भी शो हो सकता है या एवरी वन कोई भी उसको देख सकता है, ठीक है, तो वो भी आपके पास हो सकता है, ठीक है। यानी कि एवरीवन भी कोई भी देख सकता है। अगर स्पेसिफिक मेंबर्स को आप दिखाना चाहते हैं उनको आप ऐड कर लेते हैं तो उनको देख देख सकता है। अगर प्राइवेट रखना चाहते हैं तो फिर वो कोई भी नहीं देख सकेगा, जस्ट वो आपको ही शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इस चीज को भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आप प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं। आप 2 to 3 lines के अंदर प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं, जो आप जब आपका प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली दिखाई दे रहा होता है, तो आप अगर उसके ऊपर जाएं तो वो एक 1 liner 2 liner टाइटल आपका आ रहा होता है जो आप देख रहे होते हैं, और उससे रिलेटेड 2 3 lines के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि बेसिकली ये प्रोजेक्ट है क्या था, ठीक है, किसके लिए आपने बनाया था। ये ज्यादा लंबी नहीं लिखनी, 2 to 3 lines, इससे ज्यादा नहीं लिखनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी आपके पास प्रोजेक्ट टैग्स आ रहे होते हैं और आप कॉमर्स की मदद से उसको सेपरेट कर रहे होते हैं, और ये टैग्स आपके बेसिकली सर्चिंग टैग्स के लिए हैं कि अगर कोई बंदा आके आपको यहाँ सर्च करता है, आपके डिजाइन को देखना चाहता है, तो वो कैसे आपको देख सकता है, ठीक है। तो उन कीवर्ड की बेस पे आपका जो डिजाइन है, आपके जो पोर्टफोलियो है, वो बेसिकली उसे दिखाई दे रहा होता है। तो आपने जब भी कोई अपना पोर्टफोलियो या अपना डिजाइन जो है वो पोस्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको प्रॉपर कीवर्ड सर्च करने चाहिए कि अगर कोई बंदा, कोई क्लाइंट आएगा, कोई जिसमें जो डिजाइन उसको हायर करना चाहता है, तो वो किस तरह से इसको सर्च कर सकता है, ठीक है, तो मेरा डिजाइन उसको शो होना चाहिए। तो उन सब चीजों को माइंड में रखते हुए यहाँ आप अपने टैग्स को लिख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद के आपने किसको, किसके कंपनी के लिए बनाया था, आप उसका यहाँ नेम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि आप अपनी टीम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि जिस तरह आप था ना कि को ऑनर बना रहे थे, तो इसी तरह आप अपनी टीम्स भी बना सकते हैं, ठीक है। क्या आप अपनी टीम को ऐड करना चाहते हैं कि अगर आपने कोई टीम बनाई हुई थी तो आप पूरी टीम को ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। टीम्स आप सेटिंग में जाके बनाते हैं, ठीक है। और अगर क्रेडिट वगैरह, ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं डिटेल, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरफ आप नहीं जाते, अभी आपने इसी तरफ जाना है। और इसके बाद आप पब्लिश करते हैं तो आपका डिजाइन जो है, एक पूरा पोर्टफोलियो जो आपने एक डिजाइन जो किया होता है उसके लिए आपका पब्लिश हो जाता है। अब आप इस तरफ भी कर सकते हैं। ये तो ये है कि आपने जिस तरह आपने देखा कि
आपने एक टाइप में गए, ठीक है, आपने एक के लिए एक प्रोजेक्ट बना लिया। अगर आप कहते हैं कि इस तरह नहीं आप कर सकते, आप कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक मेरा पोर्टफोलियो हो जो मेरा लोगोस का हो, तो आप उसमें थंबनेल लोगोस यूज कर लें और उसको बार बार एडिट आप कर सकते हैं कि उसमें मजीद अगर आपका कोई लोगो है तो मजीद लोगो ऐड कर दें, कि वो एक ही बार आपके फॉर एग्जाम्पल आए लोगो वाले, ठीक है, पोर्टफोलियो के ऊपर, तो वो आपके तमाम के तमाम लोगोस देख सके। कि आप यहाँ मल्टीपल इमेजेस जो अपलोड कर सकते हैं, तो आप डिफरेंट स्केचेस डिफरेंट हर चीज उसमें ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल आपको बुक कवर का पोर्टफोलियो, तो आप एक ही दफा में कर दें। अब उससे होता ही है कि वो हर लोगों को अलग अलग अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, वो आपके डिजाइन तो सारे देख पाता है, लेकिन अगर आप मल्टी अगर आप इंडिविजुअल पोर्टफोलियो बना रहे होते हो कि एक लोगों के लिए अलग से अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, फिर एक के लिए अलग से क्रिएट कर रहे होते हैं, उससे ये होता है कि आपकी एप्रिसिएशन जो है वो ज्यादा बढ़ रही होती है, ठीक है, आपके क्योंकि प्रोजेक्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप दोनों वेज में जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा कि आप हर प्रोजेक्ट को अलग से लेके चलें, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास बिहांस होता है, ठीक है। ये दो आज के हमारे टॉपिक थे, एक बिहांस था और एक हमारे पास हिटलिप था, और थर्ड ये था कि हम अपनी प्रोफाइल्स को कैसे जो है फेसबुक के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स में जाके और अपने डिजाइन को वहां, ऐसा नहीं कि जस्ट अपनी प्रोफाइल का लिंक सेंड कर दें, जब अपना कोई डिजाइन करते हैं तो उस डिजाइन को सेंड करने के साथ एक अच्छा सा कैप्शन कोई लिख के और साथ अपनी अपनी गिग का लिंक भी, और ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई आप कोई इस तरह का काम करवाना चाहता है तो मेरे से कंटेक्ट कर लें, तो उस तरह से भी आपके गिग के रैंक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि लोग उसको ओपन करके देख रहे होते हैं, उससे आपके इंप्रेशन व्यूज क्लिक्स बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली दो तीन चीजें थी जो आज हमने पढ़ी, ठीक है। इसमें से किसी को कोई इशू है तो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है, और जिसको कोई इशू नहीं है वो बिहांस पे जाके साइन अप करे, और बिहांस के ऊपर जो आपने आज या कल या परसों जो भी डिजाइन बनाए थे उनको बैठ के अपलोड करें, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें आपके पास होंगी तो आप उसको देखते हुए अपना एक डिजाइन पोर्टफोलियो बिल्ड करें, और बिहांस के लिंक भी मुझे सेंड करने हैं जब आप उसको कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ, अगर आप में से किसी की कोई क्यूरी है तो मेरे से लाइव आके पूछ भी सकता है। और कमेंट्स में भी बता सकता है कि अगर किसी ने कुछ बताना है कि भाई कोई चीज समझ नहीं आई, कोई पूछना चाहता है, तो वो मेरे से यहाँ से भी पूछ सकता है। आदिल, बताया तो है मैंने स्टार्ट में, ये एक्सप्लेन किया है कि बाय रिक्वेस्ट क्यों नहीं हो रही, मेरे ख्याल आप लेट आए हो शायद। बाय रिक्वेस्ट स्टार्ट में आपको इसलिए नहीं शो हो रही होती कि आप न्यू अराइवल्स पे होते हो, आपको कुछ टाइम के लिए बाय रिक्वेस्ट शो होती हैं और फिर वो चली जाती हैं। हाँ, उसका एक वे है कि आपको बाय रिक्वेस्ट हर वक्त कोई ना कोई शो होती रहे। अब अक्सर लोग होते हैं कि जो जॉब को पोस्ट करते हैं तो वो कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते कि किस कैटेगरी से है, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल आपके अगर मल्टीपल गिग्स होंगी, अगर आप ज्यादा गिग्स बना लेते हैं, तो देन आपको ये सारी चीजें जितनी भी आपकी जो बेसिकली गिग्स होती हैं, गिग्स के ऊपर भी बेस कर रही होती हैं कि आप जितनी ज्यादा गिग्स होंगी उतनी ही ज्यादा आपको पाई रिक्वेस्ट होंगी, ठीक है। उतनी ही, क्योंकि ज्यादा आपने कीवर्ड यूज किए होंगे उतनी ही ज्यादा आप कैटेगरी में जा रहे होंगे। आप अगर कैटेगरी फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लिख देते हैं कि आप एक गिग के अंदर ऑफर करते हैं कि आप कोई भी चीज डिजाइन करवाना चाहते हैं किसी भी तरह की, तो वो आप कर सकते हैं। तो आप अगर कैटेगरी में जाके जब आप कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे होते हैं अपने गिग की ग्राफिक डिजाइन और ग्राफिक डिजाइन की सब कैटेगरी में जाके अगर अदर कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि उससे आपको ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड जितनी भी कोई बेसिकली जितनी भी तरह के कोई जॉब पोस्ट होंगी वो सारी की सारी आपको शो हो रही होंगी, क्योंकि उससे आपका एरिया जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आप वो भी एक चीज है,
लेकिन आप गिग्स आपकी ज्यादा होंगी तो देन आपको बाय रिक्वेस्ट ज्यादा शो होंगी और ज्यादा आप बाय रिक्वेस्ट के ऊपर आप बीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जी बिल्कुल जीशान, टेक्स्ट सेक्शन के अंदर आप ये सारी चीजें लिख रहे होते हैं कि आपने ये कहाँ से चीज ली थी, ठीक है, और आपने जो है रिसोर्सेज इमेजेस वगैरह कहाँ से ली थी, तो ये सारी चीजें आप टेक्स्ट पोर्शन के अंदर लिख रहे होते हैं, बॉटम के ऊपर आप टेक्स्ट पोर्शन में ये सारी चीजें पेस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, ये मैंने लिंक सेंड कर दिया, अगर किसी को भी कोई क्यूरी है, कोई चीज पूछना चाहता है तो वो मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। वेरी गुड सैयद अली, आप भी साहब अब आ रहे हैं, जब लेक्चर एंड होने लगे अब आ रहे हैं। हाँ जी, किसी को क्यूरी है तो लाइव आके मेरे से पूछ सकता है। और जिन लोगों को कल मैंने जब आपसे कहा कि आपके बुक कवर्स के अंदर एक जो मोस्टली के अंदर प्रॉब्लम आया हुआ था कि आपने टेक्स्ट को जस्टिफाई नहीं किया हुआ था, जो आपने बुक की समरी लिखी थी, तो उसको अपडेट भी करना था, ठीक है, वो सेंड भी कर देना था डिजाइन, ठीक है, लेकिन आप लोगों में से मुझे लगता है किसी ने भी नहीं वो अपडेट किया। आपकी लाइंस जो ब्रेक थी वो एक फ्लो के साथ नहीं हो रही थी, वो कोई लाइन कहाँ ब्रेक हो रही थी, कोई कहाँ हो रही थी, कोई कहाँ हो रही थी। और मैंने कहा था कि अक्सर लोगों ने सेंटर लाइन करके पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ था, मैंने कहा था कि 2 या 3 लाइन्स हो तो आप सेंटर लाइन करके लिखें तो वो अच्छी लगती हैं, अगर आपकी 6 to 7 लाइन्स हैं या 10 लाइन्स हैं तो आप उसको इस तरह से ना लिखा करें, ठीक है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए अपने डिजाइन को लेके चला करें। और आज जो रहमान खालिद था, मोहम्मद अदील थे, ठीक है, अपनी प्रोफाइल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, ठीक है, और महक आप अपनी गिग को थोड़ा सा, गिग इमेज को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। मुसरत की सारी चीजें ठीक थी, गिग्स वगैरह, और अगर वो कोई और आपके पास कोई आइडिया है, किसी और तरफ जाना चाहती हैं तो उसको उसकी तरफ भी आप जाएं, ठीक है। और बाकी मैंने जो बताया था कि मैं आज आपको डिटेल सेंड कर दूंगा कि आपके ग्रुप्स कौन कौन से हैं और आपकी जो मीटिंग स्लॉट है वो कौन क्या टाइम है आपका, ठीक है, और सैटरडे और संडे को उस टाइम्स में आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा जूम का, तो वहां से आप मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आपकी कोई क्यूरी है तो जल्दी जल्दी मुझे बताएं, अगर कोई क्यूरी है देन हम उसको सॉल्व करें, अदरवाइज जिनकी कोई क्यूरी नहीं है वो बिहांस पे जाएं, बिहांस प्रोफाइल अपनी बिल्ड करें, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन, ये टाइटल वगैरह, ये सारी चीजें आपने एक बार जो फाइवर पे लिखी थी आप उन्हीं चीजों को वहां भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और अपने पोर्टफोलियो जो है, इसीलिए मैं आपको कहता था कि आप अपने स्क्रैच वर्क से लेके सारी चीजों के इमेजेस को सेव कर करके रखा करें, ताकि जब पोर्टफोलियो की तरफ जाएं तो आप ये सारी चीजें स्क्रैच से दिखाएं कि बेसिकली आपके पास ये डिटेल थी, ये आपके पास प्रोजेक्ट डिटेल थी, इसको फॉलो करते हुए आपने ये डिजाइन किया। अगर आप 99 डिजाइन को ही देख लें तो वहां से आपके पास एक कंप्लीट आपको ब्रीफ दी गई होती है कि कैसे आपने ये सारी चीजें लेके चलनी है। ना मैंने कहा है कि रोजाना 4 लोगों की प्रोफाइल्स को चेक किया जाएगा, और जो सैटरडे संडे को मीटिंग्स हैं ग्रुप्स के अंदर, वहां भी आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड ही मेरी डिस्कशन है आप लोगों से, ठीक है, ताकि आप ग्रुप में काम करके अपनी प्रोफाइल को मजीद अच्छा कर सकें। जी बिल्कुल दे सकते हैं, किसने पूछा है, नेम शो नहीं हो रहा। हाँ इकरा, इकरा जी बिल्कुल, बिहांस का लिंक आप दे सकते हैं। आप काम कर रहे हो? अच्छा, कल फ्राइडे है, ऐसे ही है। अच्छा, कल का हमारा टॉपिक जो है ना वो है पॉडकास्ट कवर डिजाइन, ठीक है। पॉडकास्ट का आप सब लोगों को पता है कि बेसिकली आप स्पॉटिफाई पे जा रहे होते हैं, आप साउंड क्लाउड पे जा रहे होते हैं, डिफरेंट पॉडकास्ट चल रहे होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर चल रहे होते हैं, ठीक है, कोई
कोई किसी चीज के ऊपर, कोई मोटिवेशनल कोई स्पीकर पॉडकास्ट चला होता है, तो वो डिफरेंट उनके कवर्स आपने डिजाइन कर रहे होते हैं। अगर पॉडकास्ट की कैटेगरी को हम देखें तो उसके अंदर लोग बहुत कम हैं, और अगर हम उस चीज को देखें ठीक है, तो उसमें भी आप बहुत जल्दी से अपने आप को ऊपर लेके जा सकते हैं, ठीक है। आप उसमें ऑर्डर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो कल का जो हमारा बेसिकली बाकी आप सब लोगों ने ठीक बनाए हुए थे, मैंने आपको कल बताया तो था कि मैंने सबके डिजाइन देखे हैं, बाकी सारी चीजें इंप्रूव हो गई हैं, काफी अच्छी जा रही हैं, बाकी सारी चीजें प्रैक्टिस से हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं आपके डिजाइन जो है वो उतने ही ज्यादा अच्छे होते जाते हैं, ठीक है। बस जो एक जो इशू था वो सबके में ही आ रहा था, ऑलमोस्ट एक दो लोगों की ठीक थी, तो वो जस्टिफाई का इशू था, तो वो आपने उसको जस्टिफाई कर लेना है, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा था कि कल का जो आपका टॉपिक है वो बेसिकली पॉडकास्ट कवर डिजाइन से रिलेटेड है। अरसलान हमारे कोलीग हैं, ठीक है, वो आपको गेस्ट लेक्चर देंगे, ठीक है, पॉडकास्ट कवर डिजाइन के ऊपर। अब पॉडकास्ट बेसिकली जिस तरह आपके पास ई बुक कवर डिजाइन था तो पॉडकास्ट बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन उसकी डिमेंशन चेंज होती है कि 1400x1400 पिक्सल या 4000x4000 पिक्सल के दरमियान कहीं भी आप रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो होती है वो 1400x1400 होती है। अब पॉडकास्ट दो तीन तरह के हो सकते हैं। एक आपका पॉडकास्ट कवर होता है कि जस्ट टेक्स्ट बेस्ड होता है, जिसके अंदर आप एक बैकग्राउंड सिनेरियो यूज कर रहे होते हैं, एक बैकग्राउंड यूज कर रहे होते हैं, और जस्ट टेक्स्ट की मदद से या डिफरेंट टेबल्स की मदद से उसको अट्रैक्टिव बना रहे होते हैं। एक होता है कि आप उसके अंदर वो पॉडकास्ट है किससे रिलेटेड, जिससे आप ई बुक कवर के अंदर आप डिफरेंट इमेजेस का यूज कर रहे होते थे, ओपेसिटी इफेक्ट का यूज कर रहे होते थे, क्लिपिंग मास्क का यूज कर रहे होते थे, उनको यूज करते हुए आप अपने जो डिजाइन है उसको कर अपना पॉडकास्ट कवर डिजाइन कर रहे होते हैं। और एक होता है कि जो फॉर एग्जाम्पल पॉडकास्ट बेसिकली कर रहा होता है जो पर्सन होता है वो उस इमेज बेस होता है कि आप उसकी इमेज को क्रॉप करके उसको यूज कर रहे होते हैं विद हेल्प ऑफ शेडो, ठीक है, इस तरह की चीजें यूज करके आप उसको कर रहे होते हैं। आप कार्टूनिस्ट टाइप, ठीक है, इलस्ट्रेशन बना के उतना उसको यूज कर रहे होते हैं, तो उस तरह से आप पॉडकास्ट कवर्स को डिजाइन कर रहे होते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है। आपने पॉडकास्ट कवर्स को देख लेना है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं अभी यहाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं सर्च करता हूँ पॉडकास्ट कवर, ठीक है, अब यहाँ अगर आप देखें तो टोटल जो है 1281 है। अगर इसी तरह आप लोगों के अंदर जाते हैं तो वहां 30,000+ आ रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर आप बड़ी इजली अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, और इसके अंदर भी आप अगर आप देखें तो इतनी ज्यादा चीजों को आप यूज नहीं कर रहे। अब जिस तरह ये है, ये बड़ा सिंपल सा है, इसने 13 ऑर्डर्स भी कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। जैसे ये है, आप इसने आइकन यूज किया हुआ है, बाकी इसने बैकग्राउंड में कोई इमेज यूज की हुई है, ठीक है, या और इसके अलावा आई विल डिजाइन पॉडकास्ट कवर डिजाइन, ठीक है। अब अगर आप इसके डिजाइन देखेंगे 1K+ ऑर्डर किए हुए हैं, ये डिफरेंट पॉडकास्ट कवर्स हैं। अब इमेज बेस्ड हैं, डस्ट टेक्स्ट बेस्ड हैं, ठीक है, कोई पिक्चर बेस्ड हैं, तो आप यहाँ से आपको मजीद अच्छे से आइडिया हो जाता है। जैसे ये है आपके पास, ठीक है, जैसे ये है आपके पास, ठीक है, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं जिस तरह ये आपके पास आ रहा है शूट आउट, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ई बुक कवर में और इसमें कोई इतना ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, जस्ट डिमेंशन का फर्क है। बाकी आप वहां भी अगर कोई फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन से रिलेटेड किसी पर्सनैलिटी के ऊपर कोई बुक है तो उसमें जो आप एक बुक कवर ई बुक कवर डिजाइन कर रहे होंगे वो बिल्कुल इसी तरह का होगा, ठीक है। आज की जो आपकी असाइनमेंट है वो यही है कि आपने एक तो बिहांस के ऊपर पोर्टफोलियो को बिल्ड करना है। अच्छा, आप ये चीजें गौर से सुन लें कि अब जो आपका ये वीकेंड आ रहा है ना, इस वीकेंड के ऊपर आप सब लोगों की फाइवर प्रोफाइल्स बनी होनी चाहिए, जिनकी अभी भी अपडेट नहीं है उनकी अपडेट हो जानी चाहिए, और कम से कम आपके पास 2 गिग्स होनी चाहिए ई बुक कवर, बुक कवर की, ठीक है, और थर्ड आपकी पॉडकास्ट की, क्योंकि कल आपका टॉपिक जो है उसमें ये चीज भी आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। वो आपको फोटोशॉप में भी पढ़ाएं या अडोब सॉल्टर में पढ़ाएं, अब वो जिसमें भी पढ़ाएंगे तो फोटोशॉप, नेक्स्ट हम जब फोटोशॉप पे जाएंगे तो वो वहां सारी चीजें कवर हो जाएंगी, तो उससे परेशान ही होना, आप उसको अडोब सॉल्टर के अंदर भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि आपको सारी चीजें एडोबस्ट्रेटर में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें जो डिजाइन करने के लिए यूज होती हैं वो आपको पता है। जो चीजें नहीं पता वो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम मजीद उसको कर लेंगे। हमारे 16 लेक्चर्स हो चुके हैं, 24 तक हम एडोबस्ट्रेटर को लेके चलेंगे, उसके बाद हम फोटोशॉप की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम नेक्स्ट वीक के अंदर फोटोशॉप को थोड़ा सा देख लेंगे 3D मॉकअप के लिहाज से, कि हम मॉकअप कैसे बनाते हैं और फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन हो। उसके बाद हम कंप्लीट फोटोशॉप से स्टार्ट करेंगे, तो वो आफ्टर 24 लेक्चर्स हम 25 से उसकी तरफ चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट हैं। और ये चीज का ख्याल रखना है कि आपने अब जो असाइनमेंट जैसे मैंने बताई है कि आपकी प्रोफाइल्स कंप्लीट होनी चाहिए, 99 डिजाइन की प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए, बिहांस के ऊपर आपने पोर्टफोलियो को अपलोड करना है, और पॉडकास्ट कवर की डिफरेंट गिग्स हैं आपने इसको देख लेना है, और अपने लिए भी गिग्स इमेजेस बनानी है। अब जिस तरह आप देखें कि जैसे ये आपके पास यहाँ नजर आ रहा है, तो इसने बेसिकली अगर आप फाइवर फ्री पिक पे भी जाके अगर लिखते हैं 3D मोकअप, ठीक है, तो आपको डॉक्स्ट्रेटर की फाइल में भी मोकअप मिल जाते हैं कि वहाँ बैकग्राउंड डिफरेंट होता है और उसने अपने डिजाइन को प्लेस किया होता है। तो अब उसके डिजाइन को रिमूव करके वो, क्योंकि वो AI फाइल ही होती है, तो अब वहां अपने डिजाइन को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उस तरह से भी दिखा सकते हैं। अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो आप सिंपल भी रख सकते हैं, तो आप डॉक्स्ट्रेटर से भी मोकअप फाइल ले सकते हैं और उनको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपने यहां से आइडिया लेके, ये नहीं कि बिल्कुल इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, आपने डिफरेंट स्नैरियो के साथ जाना है, और आपने यहाँ पॉडकास्ट कवर डिजाइन करके आपने इसकी गिग भी इस वीकेंड पे कंप्लीट करनी है, ताकि आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर्स ले सकें और जल्दी से जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर सकें, ठीक है। और मोटिवेट रखें अपने आप को, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो तो देन ही आप जा सकते हैं। अगर आप इस चीज को देखें तो ये कोई मुश्किल है, इस वाले कवर को अगर आप देखें तो ये कोई मुश्किल चीज है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको देखें तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, इसने बैकग्राउंड पे इलस्ट्रेशन टाइप इलस्ट्रेशन, ठीक है, ओपेसिटी इफेक्ट का यूज करते हुए यूज की हुई है, और देन उसने जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर इसको देखें तो ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, उसने क्रॉप किया हुआ है जस्ट, और देन इमेज को यूज किया हुआ और बाकी टेक्स को उसने यूज किया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखें तो ये कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती, ना कोई इतनी ज्यादा मुश्किल होती है और इम्पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। कल मैं उनको सुन रहा था, वैसे ये क्लिप आ गया कासिम अली शाह का, तो वो बड़ी एक अच्छी बात कर रहे थे कि एक बार एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये एक क्वेश्चन है कि जो इम्पॉसिबल है, ये सॉल्व भी नहीं हो सकता, ठीक है, आप इसको नोट कर लें और कल सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। उस क्लास में एक बच्चा सो रहा था, ठीक है, जब वो जागा तो सर उसने ये बात नहीं सुनी थी कि ये चीज इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकती, ठीक है। उसने क्वेश्चन नोट किया और उसको सॉल्व कर दिया। रीजन क्या थी कि उसने वो चीज सुनी नहीं थी। बेसिकली आपके माइंड में जो चीज चल रही होती है ना कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे होगा, तो देन आप उसको कर भी नहीं सकते, आपका ऑटोमेटिकली सारी चीजें, आप मोटिवेट ही नहीं होते उसको करने के लिए। तो अपने माइंड को उस तरह से लेके जाया करें कि बस ये हो सकता है, ये मैं कर लूंगा, ये पॉसिबल है, ठीक है। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा नहीं बनता, सेकंड में बन जाएगा, सेकंड में बनता, थर्ड में बन जाएगा, आप उसको ट्राई किया करें। अगर अपने माइंड को ऐसे कर लेते हैं कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, जैसे टीचर ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, तो पूरी क्लास उसको नहीं कर सकी, बैठी रही, ठीक है। वो बच्चा जो सो रहा था, जिसने ये नहीं सुना था कि ये इम्पॉसिबल है, उसने उसे कर लिया। तो ये सारी चीजें होती हैं कि आप हर चीज को कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब दो चीजें होती हैं, एक होती है इंटेलिजेंट और एक होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, वो लगता है हमें कि उनके लिए सारी चीजें इजी हैं, लेकिन ऐसी नहीं होती, ऐसा नहीं होता। जो हार्ड वर्किंग गाय होता है ना, वो ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। इंटेलिजेंट के लिए हार्ड वर्किंग होना जरूरी है, हार्ड वर्किंग के लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट ही होता है, ठीक है। चाहे वो इंटेलिजेंट थोड़ा बहुत है, लेकिन हार्ड वर्किंग जो होगा वो इंटेलिजेंट पर्सन को भी पीछे छोड़ सकता है, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए कि आप अपने टाइम को सेव करके अच्छी चीजें कर सकें, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग है तो आप हर चीज कर सकते हैं। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो जो आपका माइंड आपको कहेगा ना, कि जिस चीज में आपका माइंड चलेगा, आप उसी चीज को कर सकते हैं, बाकी चीजें नहीं कर सकते। जो हार्ड वर्किंग होता है वो हर चीज कर लेता है। तो अपने आप को हार्ड वर्किंग बनाएं, ठीक है, और अपना फोकस जो है वो बेसिकली
ये रखा करें कि आप ये कर सकते हैं, बस ये ना रखा करें कि आप ये चीज नहीं कर सकते, और ये भी माइंड में ना रखा करें कि ये आपका काम अच्छा नहीं है, क्लाइंट मुझे कैसे ऑर्डर देगा, ये तो ऐसा है वैसा है। तो अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो आप उसको रिवियंस में लेके आया करें, रिपीटेशन किया करें। जब भी आप कोई डिजाइन कर रहे हैं उसमें ये देखें कि आपने कोई चीज डिजाइन की, आप उसको दोबारा से मॉडिफाई करें, फिर मॉडिफाई करें। आप उसको फर्स्ट देखें कि हाँ कलर कॉम्बिनेशन टाइप ठीक है, हाँ ठीक है, ओके, आप उसको छोड़ दें। आपने एक दो बार मॉडिफाई किया कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, आपने कहा हाँ अब ठीक है, आप उसको छोड़ दें। फिर आप देखें कि उसके अंदर आपने जो ग्राफिक्स यूज की थी, जो आर्ट यूज किया था, क्या ये ठीक है? अगर वो ठीक नहीं है, अगर फिर मॉडिफाई करना है, आप उसको फिर मॉडिफाई करें। फिर आप उसको देखें कि आपने जो टेक्स्ट यूज किया था, क्या वो टेक्स्ट इसमें ठीक विजिबल हो रहा है, वो अच्छा है? अगर टेक्स्ट ठीक है तो देन आप टेक्स्ट को रहने दें, ठीक है, देन आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली तो यही चीजें हैं कि आप उसको बार बार मॉडिफाई करते हैं तो देन आपके डिजाइन अच्छे होते हैं। जी बिल्कुल आदिल, 99 डिजाइन पे जो बेसिकली आप पिक्चर्स यूज करते हैं वो आपको बताना चाहिए, ठीक है? 99 डिजाइन का मैंने आपको ये नहीं बताया कि आपका अकाउंट कैसे प्रूव होता है, तो वो जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां आपको ये चीजें मैंने उस वक्त बतानी थी, लेकिन अब आपने पूछ लिया तो मैं अभी बता देता हूँ कि 99 डिजाइन के ऊपर जब हम पार्टिसिपेट करते थे डिजाइन्स में, तो हमारी कोशिश ये होती थी कि हम टॉप 6 में सेलेक्ट हों। तो उसमें हम किया क्या करते थे कि हम डिजाइन लोगों के क्रॉप किया करते थे स्निपिंग टूल से, और देन हम उसको सर्च विद गूगल किया करते थे कि इसने कहीं कहीं से कॉपी तो नहीं किया, और अगर उसने मेंशन ना किया हो कि मैंने ये जो इमेज है या जो जो आइडिया है जो फलां जगह से लिया है, तो 99 डिजाइन उसके डिजाइन को डिक्लाइन कर देता है, ठीक है? ठीक है, तो वो बेसिकली ऑटोमेटिकली वहां से बाहर चला जाता है। तो और जो आपके डिजाइन होते थे वो हिट हो जाते थे अगर आपने उसको मेंशन भी किया होता था कि ये चीज आपने फलां जगह से ली है। तो ये सारी चीजें होती हैं, इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए आप जा रहे होते हैं डिजाइन करने के लिए, ठीक है? और अपनी सारी चीजें बतानी चाहिए आपको कि ये रिसोर्सेस आपने कहाँ से लिए हैं। और बाज बात होता है कि क्लाइंट आपसे डिमांड ही इस तरह की कोई इमेज कर रहा होता है कि जो पेड होती है, जो ऐसी साइट के ऊपर होती है जो पेड साइट है और वहां से आपको लेनी होती है, तो वो आप खुद परचेज नहीं कर रहे होते, क्लाइंट आपको परचेज करके देता है, ठीक है? और अगर आपको फॉर एग्जाम्पल वो इमेज फ्री चाहिए, तो आप सिंपली उस इमेज पे जाके राइट क्लिक करते हैं और सर्च विद गूगल कर देते हैं। तो गूगल पे अगर किसी साइट के ऊपर कहीं भी वो इमेज यूज हुई होगी तो वो कहीं ना कहीं से आपको फ्री भी मिल ही जाती है, ठीक है? देन आप उसको यूज कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा एडिट करके कि उसका कॉपीराइट का इश्यू नहीं है, उसका थोड़ा सा कलर एडजस्ट करके तो आप उसको यूज कर सकते हैं, तो देन आपका कॉपीराइट का इश्यू जो है वो रिजोल्व हो जाता है, ठीक है? ये चीज समझ आई कि आप कोई भी इमेज होती है उसको राइट क्लिक करके सर्च विद गूगल करें तो वो ऑटोमेटिकली उस जितनी जहां जहां वो इमेज यूज हुई होती है, फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे ने परचेज की अपनी साइट के अंदर यूज की, तो वो जहां जहां भी यूज हुई होती है वो आपके पास आ रही होती है। और वहां से आपने ये देखना होता है कि उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा भी होता है कि जब आपके पास गूगल पे डिफरेंट चीजें ओपन होती हैं कि ये इमेज कितने पिक्सल्स की है, तो आप हाईएस्ट पिक्सल की इमेज वहां से दें, लें, डाउनलोड करें, उसको यूज कर लें, ठीक है? सेव एज इमेज करें और उसको यूज कर लें। आदिल, प्रैक्टिस से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, पिक्चर का कोई इशू नहीं आता, ये वहम है सारे आपके कि ये इशू है वो इशू है, कोई इशू नहीं होता। ये प्रैक्टिस जब जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपके डिजाइन अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, और यहां से आपको एक चीज ये भी आइडिया हुई होगी कि जैसे इन लोगों ने लिखा हुआ है कि कैसे इन लोगों ने अपने जो बेसिकली टेक्स्ट है उसको कैसे पेस्ट किया हुआ है। जिस तरह अब इन्होंने लिखा कि आई विल डिजाइन योर पोर्ट्रेट लोगो एंड कवर, ठीक है? अब ये अगर आप देखें कि ये जो इसका टाइटल है उसने वही टाइटल यहाँ लिख दिया, ठीक है? उसको अब इसको ये मजीद अट्रैक्टिव बना सकता था कि अगर फॉर एग्जाम्पल इस चीज को वो ब्लू कर देता और इसके अंदर व्हाइट को लिख देता तो वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता, ठीक है? तो वो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से उसने मे भी देखा है कि नहीं देखा, ठीक है? जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आपके जो बेसिकली चीज होती है, जिस चीज के ऊपर आपने फोकस करना होता है उसको आप या तो बोल्ड कर देते हैं या उसका आप कलर डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है? तो इन सब चीजों को माइंड में रखते हुए आपने ये करना है, और कल के लेक्चर के बाद आपने मुझे पॉडकास्ट कवर भी डिजाइन करके सेंड करने हैं 1 से 2, और आप सब लोगों ने इसके लिए अपने डिस्क्रिप्शन और अपनी ये सारी चीजें यहां से जाके इसको रीड आउट कर लेना है, अपने टाइटल कीवर्ड्स अपने डिस्क्रिप्शन इसको बना के रख लेना है, और संडे वाले दिन आपने इसकी भी गिग बना लेनी है, ठीक है?
ओके। हाँ जी, इधर किसी क्वेश्चन की कोई क्यूरी है? कोई आया लाइव? आजकल लाइव नहीं आते, खैरियत है? कोई क्यूरी नहीं आती या कुछ समझ नहीं आता या सब कुछ समझ आता है? ऐसे ही है। अब कौन सी बात ठीक है, कुछ समझ नहीं आता या सब कुछ समझ आता है? अच्छा, अटेंडेंस मार्क कर लिए आप सब लोगों ने? अटेंडेंस लाजमी याद से मार्क किया करें। वैसे अटेंडेंस तो आप सब लोगों को याद रहनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोग याद नहीं रखते, अटेंडेंस आपको भूल जाती है। रहमान काला 50-50 आ गया, तो इसका मतलब है कि 100% हो जाएगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो देन आपको बाकी सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। अगर कोई चीज पूछनी है तो वो बताएं मुझे, जो आपको क्लियर नहीं है। केवन के डिजाइन अब पहले से काफी ज्यादा अच्छे होने लग गए हैं, इसका मतलब है कि वो मेहनत कर रहा है। रहमान, आप ये बात कैसे कर रहे हो कि आपको प्रैक्टिस समझ आ जाता है? आप जब आपसे कोई डिजाइन मांग लो तो आप कहते हो कि मैं बिजी हूं तो प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाता? अच्छा ठीक है। अच्छा, हिना राणा और मुसर्रत, ठीक है, निसार, आप दोनों ने ना एक गिग वेक्टर ट्रेसिंग की बनानी है, जिसमें आपने इलस्ट्रेशन टाइप जो चीजें थी वो बनानी है, ठीक है? इससे रिलेटेड आपने फाइवर पे जाके डिफरेंट लोगों की गिग्स को सर्च आउट करना है, इलस्ट्रेशन टाइप में जाके, ठीक है, और देन आपने उससे रिलेटेड अपनी गिग बनानी है। पेन टूल पे जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो सकती है सब लोग करें, और वेक्टर ट्रेसिंग की गिग्स बनाएं, क्योंकि वेक्टर ट्रेसिंग बेसिकली बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब वेक्टर ट्रेसिंग के अंदर बैकग्राउंड रिमूवल भी आपका बड़ा इजीली हो जाता है, कि आपको पेन टूल अगर अच्छे से यूज करना आता है तो वो आप इजीली उस चीज को कर लेते हैं। चले रहमान, कोई नहीं है, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा जो होगा। अच्छा, जवाब हमेशा ही ना ऐसी पॉइंट से आता है कि जो बिल्कुल भी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता। नहीं, आफ्टर इफेक्ट का कुछ नहीं है कंटेंट में। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले 1 से 2 लेक्चर्स के अंदर मैं एक लेक्चर रखूंगा जिसमें आपको डिफरेंट, फॉर एग्जांपल, के गिग के लिए वीडियो बनानी सिखाई जाएंगी। जैसा कि मैं आपको, अगर मेरे पास यहाँ हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है, जवाब जवाब तो उससे ही हो गया। नहीं, हमारे टॉपिक में नहीं है ना कंटेंट, जवाब आपके से शेयर है, कंटेंट के अंदर ये नहीं है। हाँ, अडोब प्रीमियर प्रो में मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि एक लेक्चर मैं दूंगा जिसमें आपको गाइड कर दूंगा कि आप वीडियो को एडिट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आप गिग के लिए बेसिकली वीडियो कैसे बना सकते हैं, उसमें जो टेक्स्ट एनिमेशन वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, इसको कैसे लेके जा सकते हैं और आप अपनी गिग्स को कैसे ज्यादा अच्छे से बना सकते हैं गिग्स की वीडियो का, क्योंकि गिग की वीडियो बेसिकली ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है पिक्चर से। यार वो मुझे मिल नहीं रहा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको शो हुई है वीडियो, मैं दोबारा प्ले कर देता हूं अगर आपको शो नहीं हुई तो। कुछ इस तरह की बेसिकली हम गेट वीडियोस बनाएंगे, अब जैसे ये YouTube चैनल के लिए इंट्रो जो हम ऐड करते हैं तो वो उस तरह की चीज जो ये बनी हुई थी, तो इस तरह ही हम इसके हेल्प से अडोब प्रीमियर प्रो के अंदर अपनी गिग इमेजेस क्रिएट करेंगे, जिसमें कि ऑफर बाय फलां फलां, अगर आप इमेज यूज करना चाहते हो तो इमेज, अपने डिफरेंट डिजाइन यूज करना चाहते हैं तो डिफरेंट डिजाइन, इन चीजों को देखते हुए हम अपनी गिग्स की वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। इन्होंने मुझे लगता है डॉप प्रीमियर प्रो पे काम किया होगा। आज क्यूरी कोई किसी की नहीं है, काम कर रहे हो सब लोग? मैंने कहा यहां से बैठ के करो काम, हो रहा है? इससे एक चीज ये भी हो जाएगी कि अगर कुछ लोग होते हैं जो YouTube पे वीडियोस बनाना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी कि अगर हम YouTube की तरफ, आप में से कोई लोग जाना चाहते हैं कि YouTube पे अगर आप बनाना चाहते हैं तो वहां से भी आप कर सकते हैं। ये ना वो बेसिकली उन सॉफ्टवेयर के अंदर एक इशू आ रहा होता है कि आपके पास उनका लोगो नजर आ रहा होता है कि बेसिकली ये किस आपने सॉफ्टवेयर में बनाई थी। तो अडोब प्रीमियर प्रो में हम इसलिए बना रहे होते हैं कि हमें ये कॉपीराइट का इशू नहीं आए कि हमने ये फलां जगह से बनाई थी, ठीक है, तो इसलिए हम इस चीज को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, कि किसी का बेसिकली किसी का भी लोगो वगैरह नजर ना आ रहा हो किसी कंपनी का या किसी सॉफ्टवेयर का। जवाद किधर है? जवाद है तो रेकमेंड करें ना, जरा इधर लाइव आए ना, जरा इधर जवाद लिंक से जरा लाइव आओ।
करने को तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं ना, करने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ यूलिड से भी हो सकता है, नो डाउट। लेकिन अडोब प्रीमियर पर थोड़ा सा एडवांस भी है और थोड़ा सा अच्छा भी है बाकियों की नस्बत। अगर आप एडवांस एनिमेशन के अंदर जाते हैं तो अडोब आफ्टर इफेक्ट, अगर आप थोड़ा सा उससे कम लेवल पे रहते हैं तो आप अडोब प्रीमियर प्रो पे चले जाते हैं। जवाब जरा लाइक तो कि मोबाइल से सुन रहे हो, लैपटॉप से नहीं हो? असाइनमेंट्स याद है ना अपनी? फाइबर प्रोफाइल अपडेट करनी है, बियांस अपडेट करना है, 99 डिजाइन, ठीक है। और इसके अलावा आपने बुक कवर, ई बुक कवर की गिग्स, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और आपकी है गिग्स उसको, और इसके अलावा ठीक है, और इसके अलावा आपने पॉडकास्ट कवर की गिग्स को देखना है। उसके लिए आज से अपने डिस्क्रिप्शन आपने टाइप करनी है, अपनी गिग का टाइटल टैग करना है, कीवर्ड बेस भी और क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। और अपने टैग्स बनाने हैं, ठीक है, गिग इमेजेस बनानी यानी पॉडकास्ट के लिए, ठीक है। तो वो देन फिर आपने जब कल का जो हमारा टॉपिक है उसके बाद आपने पॉडकास्ट कवर डिजाइन करते हैं और देन आपने अपनी उसकी भी एक गिग बना लेनी है, ठीक है। चलें कोई नहीं, जवाब खैर अभी नेक्स्ट लेक्चर में सही। एक भी कर सकते हैं, अगर आप दो करना चाहते हैं तो दो भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि आप एक में ही दोनों चीजों को रख लें, ठीक है। लेकिन आप उन्हें पैकेज में बता दें कि ई बुक कवर की ये कॉस्ट है और बुक कवर की ये है। अगर आप थर्ड पैकेज में ये रख लें कि अगर कोई ई बुक कवर भी लेना चाहता है और बुक कवर भी लेना चाहता है तो उसकी ये कॉस्ट है, तो आप इस तरह से पैकेजेस बना लें अपने, आप कैटेगरी एक ही सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अटेंडेंस मार्क की सब लोगों ने? कल बड़ी हैरानगी की बात थी कि जब यहाँ लाइव हम देख रहे थे तो हमारे पास मेरे ख्याल में एंड में जाके जो मोहम्मद सईद आए तो 16 लोग थे, ठीक है। और अगर मैं अटेंडेंस देखी तो अटेंडेंस 29 लोगों ने फॉर्म फिल किया हुआ था, ठीक है। तो ये लेक्चर भी लेना होता है, खाली अटेंडेंस नहीं लगानी होती, ये उनके लिए मैसेज है जो अटेंडेंस लगा के भाग जाते हैं। इकरा आपने मुझे मेल एड्रेस सेंड कर दिया अपना? अस्सलाम वालेकुम, तो क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है। मैं ठीक ठाक लगा, शुक्र। क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुंचे आपके डिजाइन? डिजाइन बस सर, रमजान में जरा स्लो है काम, बाकी तो ठीक है। बाकी ठीक है। गिग्स कहाँ तक पहुंची हैं? दो गिग्स तो बनाई नहीं है, लेकिन बस वो जनरल लिंक जनरली सेंड बनाई किया है मुझे? जी, किया हुआ है। चलें नेक्स्ट लेक्चर में आपकी बारी भी आ जाएगी, बल्कि इस वीकेंड पे ही आ जाएगी। बस वो जरा रमजान में ये 2 घंटे देना बहुत गनीमत है, बाकी तो पूरा दिन रात पैक को तो ही। बंदा सारी रात जाग सकता सर असल में मैं हाफिज कुरान भी हूँ, तो रमजान में हाफिजों का कुछ और है। अच्छा मामला अच्छा अच्छा होता अच्छा ये बिल्कुल 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 नो डाउट, है। 2 घंटे आइडिया जो है है ये मुझे। बड़ी मुश्किल निकलते हैं। हाँ ये तो है बिल्कुल। चलें कोई नहीं, खैर बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह अच्छा सोने ही के भी होगा। यही 4 घंटे हैं, जो सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे। सही 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 सही। चलें कोई नहीं, खैर मैं वही पूछ रहा था कि आपकी गीक का लिंक आ गया कि नहीं आया अभी तक। चलें आ हाँ गया तो मैं वो उसको देख लेता हूँ, मैंने बाकी देखा नहीं है, मैं देख लेता हूँ बाकी। मैंने कहा है कि टाइम स्लॉट में शेयर कर देता हूँ ग्रुप्स की, और तो वो ग्रुप जूम पे फिर जब मीटिंग करेंगे तो उसमें वो सारी चीजें डिस्कस भी कर लेंगे,
और जो जो इम्प्रूवमेंट चाहिए होंगी, ताकि आप ग्रुप में भी आपस में डिस्कशन करके अपनी गिग्स को जितना ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं उसको उतना ज्यादा करें और बायर रिक्वेस्ट को उतना ज्यादा सेंड कर सकें। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। वो आफ्टर इफेक्ट्स मैं वैसे पूछ रहा था, क्योंकि वीडियो एडिटिंग और ये फोटोशॉप वगैरह मैं इसको काफ़ी 5-7 साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए, तो वो आफ्टर इफेक्ट नहीं किया था आफ्टर मैंने। इफेक्ट को? नहीं, आफ्टर इफेक्ट नहीं किया मैंने, अच्छा अच्छा वीडियो अच्छा एडिटिंग के लिए डिफरेंट फोटोशॉप किया सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप भी किया हुआ सही है, सही, ठीक तो आफ्टर इफेक्ट जो ठीक है वो मुझे ठीक उसका नहीं पता था, इसलिए मैं उसका पूछा। आफ्टर इफेक्ट बेसिकली एनिमेशंस के लिए और एडवांस वीडियो एडिटिंग के लिए यूज होता है, लेकिन वो थोड़ा सा हैवी भी है और सबके लैपटॉप पे बेसिकली चल नहीं होता, रेंडरिंग में इशू आ रहा होता है। एडोब प्रीमियर प्रो थोड़ा सा उससे कम है, लेकिन उसमें भी अच्छी वीडियोस एडिट हो जाती हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई, तो वो एडोब प्रीमियर प्रो में ही कंप्लीट बनी हुई है। बेसिकली तो फोटोशॉप में डिजाइन हुआ हुआ है सारा, उसके बाद क्योंकि एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर फोटोशॉप की लेयर फाइल्स आप लेके जा सकते हैं विथ लेयर्स, ठीक है, तो उन लेयर्स के ऊपर आप डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर देते हैं, तो वो आपका एक पूरा वीडियो बन जाती है। ये जिस तरह आपने शो कराई उस है चीज को बेसिकली, ये हम, तो हम उस इतना काम तो हम उसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं वैसे। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी एडवांस टाइप नहीं हो रही होती ना, थोड़ा बहुत हो रहा होता है लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहे होते। सही, हाँ चले ठीक है, ओके, ठीक है लेक्चर का सर, टाइम भी एंड हो गया है, इंशाल्लाह ठीक है मुलाकात सर, होती है कल। थैंक यू सर, ओके। ओके ओके अल्लाह हाफिज, चले ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा और अपने काम कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज।